नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त और इस संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में ही होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड है और लॉकडाउन का पीरियड जैसे बोलते हैं ना क्या कि अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज, तो हमारे लिए एक संधि उपलब्ध करके गया है। आपके पास अभी समय है पीछे मुड़ के देखने का, पीछे जो जिंदगी गई कैसी गई, क्या गई, हमने क्या गलतियां की, हमने क्या अच्छे कर्म किए और क्या करना चाहिए था। दोस्तों, अब बाकी सारे लोग, बाकी मेरे सारे दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं अपनी महफिल में, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक गांव में एक हट्टा कट्टा पहलवान रहता था। बेचारे के पास काम धंधा था नहीं। एक दिन उसने सोचा, चलो कुछ काम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। तो गांव में एक सॉमिल वाला रहता था, जो कोठार वाला बोलते ना, पिछले जमाने में होते थे, जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे। तो वो सॉमिल वाले के पास गया, बोले साहब कुछ काम दे दो। सॉमिल वाले ने बोला, भैया अट्ठे कट्टे आदमी हो, पहलवान हो, चलो जाओ लकड़ी, ये कुल्हाड़ी लो और जाओ जंगल में, जाओ पेड़ काट के लाओ, जितने पेड़ काटोगे उतना पैसा मिलेगा। उसने सोचा, चलो यार मैं तो अट्ठा कट्टा आदमी हूँ, जाऊंगा बहुत सारे पेड़ काटूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। गया पहले दिन, सुबह से शाम तक काम किया, 10 पेड़ काटे, अच्छे खासे पैसे मिले, बहुत खुश होगा। दूसरे दिन गया, उतने ही जोर शोर से सुबह से शाम तक काम किया, 9 ही पेड़ कटे, काम तो उतना ही किया। तीसरे दिन गया, 7 पेड़ कटे, चौथे दिन गया, 5 ही पेड़ कटे। सोच में पड़ गया, भाई क्या हो रहा है, काम तो मैं उतना ही कर रहा हूँ लेकिन पेड़ कम कट रहे। मालिक के पास गया, बोले मालिक क्या हो गया, काम तो मैं उतना ही कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ लेकिन पेड़ कम कट रहे, पैसा कम मिल रहा है, क्या हो रहा है ये। मालिक ने कहा, भाई आप तो काम तो बहुत अच्छा किया है, आप तो हट्टे कट्टे हो, सुबह से शाम तक लगते रहे काम पे, लेकिन एक गलती आपने कर दी, आपने आपकी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई। तो दोस्तों, कहानी का मतलब है कि कुल्हाड़ी को धार लगाना बहुत जरूरी है। और अपनी कुल्हाड़ी क्या है, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, यही अपनी कुल्हाड़ी है, यही अपने टूल्स है, इसी को साथ में लेके जाना है हमको आगे। और यही अगर शार्प रहेगा, यही अगर हट्टा कट्टा रहेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते। तो दोस्तों, चलो इस कहानी के साथ में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ आपस इस संगोष्ठी में। और आज ये संगोष्ठी में हम बात करने वाले हैं टपक सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की रखरखाव की। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने टपक सिंचाई इस्तेमाल करते होंगे, ली होंगी, बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे जेब में से, टपक सिंचाई ले ली, बिठाई, चलाई, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे इंजीनियर ने आपको जो बताया था, आपको इतना फायदा होगा, दुगना होगा, तिगना होगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, कभी कभी ऐसा लगता है, और लगता है कि नहीं, ये बताइए आप मुझे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होगा, ये जानने के लिए आज की संगोष्ठी है। जब हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की या टपक सिंचाई की जब बात करते हैं, और एक सफल टपक सिंचाई की जो यंत्रणा होती है, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो एक सिस्टम होती है, उसके वो आधारित है, और उसकी सफलता आधारित है चार खंभों पे, 4 पिलर्स। और वो चार खंभे क्या है, पहला खंभा है उचित डिजाइन। जब भी आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करना है, उसका प्रॉपर डिजाइन होना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट खंभा है, जो सामग्री आप ले रहे हैं को अच्छी से अच्छी उच्चतम गुणवत्ता की होना चाहिए। ये दोनों चीजें भी है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, सामग्री की गुणवत्ता आप जैन इरिगेशन से ले रहे तो अच्छी है, लेकिन स्थापना, उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना जरूरी है। अगर ये दोनों सही है और तीसरी बात गलत है तो प्रॉब्लम है। और चौथी, ये तीनों भी चीजें गलत सही है, स्थापना है, डिजाइन किया आपने, आपका सामग्री बहुत अच्छी तरह का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन मेंटेनेंस अगर सिस्टम का नहीं है तो भी सिस्टम के फेलियर होने के चांसेस है, या आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स उसमें से नहीं मिल सकते।
दोस्तों ये जो चार खंबे हैं, ये चार खंबों में जो पहले दो खंबे हैं उचित डिजाइन और उच्चतम सामग्री, ये दोनों चीजें आपके स्कोप में नहीं है। आप एक किसान करके आपके स्कोप में नहीं है, डिजाइन आप नहीं करते, सामग्री आप नहीं बनाते। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि जब डिजाइन आपके पास आता है तो आपको डिजाइन किस तरह से किया गया है ये जान लेना जरूरी है। उसके लिए सिंपल है, आप हमारी वेबसाइट से या गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एमआईएस का कैटलॉग डाउनलोड कीजिए। हमारे कैटलॉग में हमारे सारे उत्पादनों के बारे में जानकारी दी है और वहीं पर कैटलॉग में आगे एक डिजाइन कैलकुलेटर दिया है। आपको कभी लगता है कि भाई ये डीलर ने या इंजीनियर ने डिजाइन किया है, मेरी 16 mm की लेटरल थी, मुझे 200 फीट लंबाई ले जानी थी या 300 फीट लंबाई ले जानी, तो मैं कौन सी ट्यूबिंग लूँ, कौन सा ड्रिपर लूँ, कौन सा डिस्चार्ज लेना चाहिए, इसके सारे गणित उसमें आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। आप वहां जाके चयन कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रिपर चाहिए, आप वहां जाके चयन कर सकते हो कि आपको कौन सी ट्यूबिंग सिलेक्ट करनी। वो आपको बता देगा कि आपकी ट्यूब या आपकी जमीन का स्लोप कैसा है, ऊपर है, नीचे है, सीधा है, सरल है, उसके हिसाब से वो आपको ड्रिपर की या इनलाइन की या ट्यूबिंग की कितनी लंबाई तक जा सकता है ये बता सकता है, सब में बता सकता है, पंप के कैलकुलेशन कर सकता है। बहुत ही सिंपल, सादा, सरल है, ये आप ट्राई कीजिए। नहीं है तो हम आपको मदद करेंगे उसको समझने के लिए। सामग्री की गुणवत्ता के बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैन इरिगेशन से आप सामान ले रहे हो, मतलब सामग्री की उच्चतम गुणवत्ता आपके पास आ ही रही है। आज हम बात करेंगे सही स्थापना, प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या केयर हमने करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप फिल्टर इंस्टॉल करते हो, जब आप इनलाइन लगाते हो, जब आप वेंचुरी लगाते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये करते वक्त आपको क्या केयर करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या गलतियां होने के चांसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं रख रखाव। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक प्रकार की टेलर मेड सिस्टम है। टेलर मेड हम बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर शर्ट सिलवाना है तो हर एक का माप अलग है, अलग हर एक की साइज अलग है, तो आप कपड़ा लेके जाते हो टेलर के पास, वो आपका माप लेता है, वो सिलवाता है। तो ये आपके खेत का माप लेके बनाई गई सिस्टम है, इसीलिए इसको टेलर मेड सिस्टम बोला जाता है। इसका प्रॉपर रख रखाव, प्रॉपर मेंटेनेंस किस तरह से किया जाए जा सकता है, इसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है ये संगोष्ठी में। आप सब लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने का कोशिश हम कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये ज्ञान मेरे बांटने से नहीं बढ़ेगा, ये ज्ञान आपके बांटने से बढ़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संतुष्टि पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, ठिबक सिंचन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में एक बार वापस बात कर लेते हैं। आपको पता ही है ये सिस्टम किस तरह से होती है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चालू होती है वाटर सोर्स से। आपका पानी का स्रोत होता है वो अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कुआ है, हो सकता है बोरवेल है, हो सकता है कहीं नदी से पानी ला रहे हो, डैम से पानी ला रहे हो, कैनाल से पानी ला रहे हो, अलग अलग पानी है। ये पानी को उठा के पंप द्वारा हम सिस्टम में डालते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। प्रेशराइज मतलब क्या, दबाव में चलने वाली। आपको उस पानी को दबाना पड़ता है, जब पानी को दबाते हैं तो पानी पाइपलाइन में से भागता है, हर कोने में पहुंच जाता है। आपका 10 हेक्टेयर का खेत है, 20 हेक्टेयर का है, 50 हेक्टेयर का है, खेत के हर कोने में पानी पहुंच जाता है। पानी पहुंच गया, उसके बाद में हम जो प्रेशर है या दबाव है वो ड्रिपर के द्वारा निकाल लेते हैं। ड्रिपर आपने देखा होगा, उसमें जिग जैग चैनल होता है पानी का, पानी ऐसे 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 घूमते जाता है। तो पानी में जो एनर्जी है, ताकत है, धीरे धीरे हम निकालते हैं, और जब पानी बाहर आता है तो हल्की धार में या बूंद बूंद के द्वारा पानी बाहर आता है। तो ये हो गया ड्रिप इरिगेशन। और ये सब करने के लिए, पानी को दबाने के लिए, पानी का जो फ्लो रेट है यानी आपको कितनी पानी की जरूरत है, उतना पानी पंप दे रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको जरूरत है पंप की, एक प्रॉपर सिलेक्टेड पंप की। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है बाईपास वाल्व। जब हम पंप से आगे निकलते हैं तो एक बाईपास वाल्व आता है। बाईपास वाल्व की जरूरत क्या है, बाईपास वाल्व में यहाँ पर लगता है कि जब आपका बड़ा खेत है, छोटे छोटे प्लॉट्स में उसको डिवाइड किया है, एक एक दो दो हेक्टर का, जैसे मान के 10 हेक्टर का खेत है, एक एक हेक्टर के 10 प्लॉट किए, तो जो प्लॉट आपका नजदीक है तो वहां पर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, जो प्लॉट आपका दूर है वहां पर जाते जाते प्रेशर कम हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्लॉट नजदीक है वहां पर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, दबाव ज्यादा आएगा, ज्यादा दबाव में
आपका ड्रिप सिस्टम जो आपका रिक्वायर्ड जो प्रवाह दर है, जो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है, जितना पानी लगने वाला है उससे शायद ज्यादा पानी दे देगा। तो आपको अगर जो सही मात्रा में पानी चाहिए उतना ही चाहिए, तो आपको बाईपास वाल्व के द्वारा प्रेशर को दबाव दबाव को एडजस्ट करना पड़ता है। जब सिस्टम का डिजाइन किया जाता है तो हर सेक्शन में, हर सेक्शन को चलाने के लिए कितना दबाव चाहिए, कितना फ्लोरेट चाहिए, कितना प्रवाह चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और उतना ही फ्लोरेट और उतना ही प्रेशर या दबाव सिस्टम में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर बाईपास वाल्व का काम है। आजकल बाईपास वाल्व के साथ में बहुत सारे लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व भी साथ में लगाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व भी हमने दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे ये विनती है आपसे कि आप जरूर ये प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में सोचिए। और ये क्यों सोचना है, अगर कहीं पर गलती से कोई वाल्व कम ज्यादा दबाता है या वाल्व चालू नहीं हुआ, पंप चालू हो गया है, तो प्रेशर सिस्टम में बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कहाँ जाएगा, तो पंप के ऊपर या तो दबाव करेगा या तो पाइपलाइन में कहीं वीक पार्ट है वहां से लीकेजेस चालू हो जाएंगे। तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं से ये प्रेशर को बाहर निकाल देना जरूरी है। जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, और प्रेशर कुकर में एक प्रेशर रिलीफ का एक नॉब रहता है जिसके अंदर एक डायफ्राम होता है। अगर किसी कारण से आपका सीटी वगैरह में कुछ अटक गया है, आपका धान भात अटक गया है, तो और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये डायग्राम फट जाता है और सारा जो स्टीम है, जो वाप है, ये बाहर निकाल देता है और आपका कुकर या एक्सीडेंट होने से बचता है। ऐसा ही एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, आपके सिस्टम का एक्सीडेंट होने से बचने के लिए आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। उसके बाद में आता है दोस्तों फिल्टर स्टेशन। फिल्टर स्टेशन को हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हृदय या आत्मा कहते हैं। आपका हृदय अच्छा तो आपकी हेल्थ अच्छी, हार्ट अटैक आ गया तो सब कुछ चला गया। तो ये हार्ट क्यों है, क्योंकि पानी आपको पता नहीं, पानी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप बारिश का पानी इकट्ठा करके तो नहीं दे सकते सीधा सीधा, और वो भी पता नहीं आजकल कंटेमिनेटेड आ जाए। तो पानी में जो भी कंटेमिनेशन है, मतलब क्या है, रेत आ गई है, मिट्टी आ रही है, हो सकता है कि काई आ गई है, हो सकता है पत्ते कुछ आ गए हैं, बैक्टीरिया जीवाणु आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इनको प्रॉपरली फिल्टर अगर नहीं किया हमने, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में चोकिंग होने का, पाइपलाइन के अंदर काई या शैवाल जमने का चांसेस रहता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी सिस्टम है, लेकिन इसके साथ में एक इनबॉर्न जो जन्मता एक प्रॉब्लम है वो है क्लॉगिंग का, जिससे बचने के लिए हमको फिल्टर प्रॉपर होना जरूरी है, प्रॉपरली डिजाइन होना जरूरी है, प्रॉपरली मेंटेन करना जरूरी है, प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो फिल्टर में क्या क्या आता है, तो फिल्टर में साहब हाइड्रोसाइक्लोन आता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर क्या है, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में पानी, ये आपके पानी में अगर रेत है, मिट्टी है, या पानी में जमने वाला या सेटल होने वाली जो भी चीज है, वो चीज निकालने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का आप इस्तेमाल करते हो। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में कोई जाली वाली नहीं रहती है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में पानी घूमता है अंदर, पानी ऐसा टेंजेंशियली अंदर आता है और अंदर जोर से घूमता है और एक वोर्टेक्स, एक भंवर तैयार करता है। आपने अगर किसी, आपने देखा होगा कि भाई कोई लोग बोलते हैं कि भंवर में आदमी फंस गया तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भंवर में जो भी चीज अंदर जाती है ना, वो सेंटर की तरफ नीचे 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 जाती जाती है। तो ऐसा एक भंवर हम तैयार करते हैं एक हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में, जिसके कारण जो भी मिट्टी, रेती, सैंड, जो भी पार्टिकल्स है, हेवी पार्टिकल्स, सारे सारे के सारे नीचे जमा हो जाते हैं और उनको नीचे हम सैंड कलेक्शन चैम्बर में से वहां पर कलेक्ट करके वहां से निकाल देते हैं, और फिर साफ पानी ऊपर की तरफ रहता है जो आपकी सिस्टम में जाता है। तो ये होगा हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का काम। मतलब आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां पर आपके पानी में रेत आने के चांसेस है। बहुत बार आपकी बोरवेल जो होती है वो सैंड बेरिंग बोरवेल्स होती है, मतलब रेत खींचती है बाहर, झीणी झीणी रेत रहती है वो बाहर खींचती है। कभी कभी आप कैनाल का पानी इस्तेमाल करते हो तो उसमें रेत या मिट्टी आ जाती है। कभी कभी आपका फुटवाल बहुत ही नीचे रहता है जमीन कुएं के पास बिल्कुल तल पे, तो वहां पर जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी खींच के आ जाती है अंदर। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा फिल्टर है आपका उसके आगे सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों पानी में अगर काई है, एल्गी है, शैवाल है, जीवाणु आ रहे हैं,
बैक्टीरियाज, अब बैक्टीरियाज क्लॉक क्या करेंगे, लेकिन बैक्टीरियाज भी क्लॉक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये सब निकालने के लिए आपको सैन मीडिया फिल्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है। सैन मीडिया फिल्टर में क्या होता है, सैन मीडिया फिल्टर में हम लोग रेत डालते हैं अंदर, और कौन सी रेत, ये होती है सिलिका टाइप की रेत, सिलिका टाइप की ग्रेडेड क्रश, क्रश मतलब क्या, उसको क्रश करते हैं, उसको फोड़ते हैं, और उसके बाद में फिर उसके नुकीले ऐसे कोने तैयार हो जाते हैं, और इसको ग्रेडेड करते हैं। ग्रेडेड मतलब एक साइज की एक जैसी रहती है, जैसे हमारे जो जैन इरिगेशन के द्वारा आपको सप्लाई की गई जो सिलिका सैंड है वो लगभग 0.7 to 1.2 mm के पार्टिकल साइज में उसमें रहते हैं, या हमारे पास दूसरी जो क्वालिटी है वो 1 to 2 mm की पार्टिकल साइज है। तो ये पार्टिकल साइज ग्रेडेड है, मतलब एक साइज है उसमें, और ये नुकीली होने की वजह से ये जो रेत के जो कण है ये जब एक दूसरे में फंस जाते हैं, जब आप डालते हो उसमें एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो पानी जब उसमें से बहता है तो पानी को रिच के बीच जाना पड़ता है नीचे, और ये रिच के जब पानी नीचे जाता है तो आप उसके साथ में अगर काई आ गई है या कुछ पत्ते आ गए तो वो ऊपर ही अटक जाते हैं, साफ सुथरा पानी अंदर जाता है, या बहुत बार पानी के अंदर बहुत ही झीनी क्ले पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं ये आते हैं। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इसको एक अंग्रेजी में टर्म है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब क्या करती है कि ये खींचते हैं, जैसे आप अगर मिट्टी है आप, और मिट्टी में आपने उंगली डाली और बाहर निकाली तो आपकी उंगली को लग के कुछ ना कुछ मिट्टी आ जाएंगी, इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। तो ऐसे ही ये सैंड का पार्टिकल है या रेत का जो जो कण है ये छोटी छोटी मिट्टी को भी खींच लेता है, उसके साथ में लगा के रखता है। तो ये अगर बहुत ही क्ले पार्टिकल से तब भी ये सैंड फिल्टर काम में आता है। अगर आपके पानी में काई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके लिए मैं नहीं चाहता कि भाई आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सैंड फिल्टर खरीदे, आपको सस्ते में काम करना है और लेकिन काई तो है, ऐसी कंडीशन में आप लोग डिस फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। डिस फिल्टर में छोटे छोटे ऐसे सरेशंस दाग रेशाएं रहती है जिसमें से पानी जिगजैग होके अंदर जाता है, और जब ऐसे जाता है तो उसमें उसके जो काई का जो कण है या काई का जो थ्रेड है वो अटक जाता है, वो आगे नहीं जा सकता। तो जहां पर कम मात्रा में अगर काई है या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं ऐसी है, तो आपको डिस्क फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी आपने कहा कि भाई मेरा पानी तो बहुत साफ सुथरा है, मेरा मेरे मुझे तो फिल्टर की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कम से कम स्क्रीन फिल्टर आपके स्क्रीन सिस्टम में होना जरूरी है। स्क्रीन फिल्टर मतलब एक सी जाली होती है, जाली के अंदर से पानी छन के अंदर जाता है सिस्टम में, कुछ भी अगर कचरा आ गया, सैंड आ गई, रेत आ गई, जो भी आ गया तो ये रोकने की कोशिश करता है, आगे नहीं जाने देता, सिस्टम को चौंकने से बचाता है। दोस्तों इसके बाद आता है फर्टिगेशन, या उर्वरक या खाद देने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो। फर्टिगेशन में बहुत सारे प्रकार के फर्टिगेशन है जिसके बारे में हम आगे जाके जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बता दूं कि मैं मोस्टली जनरली जो यूज होता है वेंचुरी, आप लोगों ने देखी होगी, दूसरा होता है फर्टिलाइजर टैंक। ये डिफरेंशियल प्रेशर मतलब क्या कि आप एक दबाव में डिफरेंस तैयार करते हो, एक वॉल दबाते हो ताकि इधर का प्रेशर बढ़े, इधर का प्रेशर कम हो जाए, और फिर पानी हमेशा हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ दौड़ता है। तो ये प्रिंसिपल का उपयोग करके हम लोग फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी को चलाते हैं। इसके द्वारा आप खाद दे सकते हो, एसिड ट्रीटमेंट या क्लोरीन ट्रीटमेंट में या ड्रिप इरिगेशन के मेंटेनेंस में भी आपको वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप है या हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड फर्टिगेशन पंप्स है, या न्यूट्रीकेयर जैसे हाईटेक असेंबली है जो आपके पानी का ईसीपीएच या फर्टिलाइजर का ईसीपीएच चेक करके ही अंदर जाने देता है या उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद में सिस्टम से मतलब हमने अभी फर्टिलाइजर टैंक ये सब उर्वरक देने के लिए जो सामग्री है वो देखी, उसके बाद में आते हैं मेन लाइन की तरफ। मेन लाइन यूजुअली पीवीसी की होती है, पीवीसी मटेरियल ही जब सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, सस्ता होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर जहां पर पानी का बर्फ जमने की शक्यताएं होती है, वहां पर पीवीसी की जगह आप एचडीपी जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप है वो इस्तेमाल करते हैं। जो स्प्रिंकलर का काले रंग का पाइप होता है वो होता है एचडीपी पाइप, वो आप इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी पाइप जो होता है लगभग 3 इंच 4 इंच 6 इंच अलग अलग साइज के आपके फिट के डिजाइन के हिसाब से ये पाइप का चयन होता है। मेन लाइन जोड़ती है सारे सबमेंस को, छोटे छोटे प्लॉट्स में आप डिवाइड करते हो पूरे सिस्टम को,
और छोटे छोटे प्लॉट्स में या छोटे छोटे सेक्शन में क्यों डिवाइड करना पड़ता है? हो सकता है आपका आपका जो क्रॉप है, आपका जो पाक है, अलग अलग है। कहीं पर आपने बनाना लगाया है, कहीं पर आपने चिली लगाई, ओनियन किया, अलग अलग प्लॉट्स है तो अलग अलग सिस्टम हो सकती है, अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। या तो क्रॉप एक जैसा भी है फिर भी आप उसके छोटे छोटे से अगर सेक्शन करोगे तो होता क्या है कि छोटे सेक्शन को लगने वाले पानी की जरूरत कम होती है, एक साथ उसको लगने वाली। जैसे 10 हेक्टेयर को एक साथ भिगो देना और 1 1 हेक्टेयर को 10 बार भिगोना में फर्क है। 1 1 हेक्टेयर में एक साथ 1 हेक्टेयर को लगने वाले पानी की जरूरत है और उसके हिसाब से प्रेशर की जरूरत है, और प्रेशर और डिस्चार्ज या जो पानी की लगने वाली जरूरत है उसके हिसाब से पंप की जरूरत होती है। तो आपका पंप का हॉर्स पावर या पंप की कैपेसिटी अगर आपको कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि पंप का हॉर्स पावर बढ़ता है तो पैसा बढ़ जाता है, आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ सेक्शंस में आपका सिस्टम डिवाइड होता है और हर सिस्टम या हर सेक्शन के अंदर एक सब मेन जाती है। ये सेक्शंस आप जो करते हो, ऑफ कोर्स ये डिजाइन का मामला है और किसी दिन हम डिजाइन के बारे में भी संगोष्ठी लेंगे, उसमें भी ये डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये सेक्शंस है, ये कितने कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये डिपेंड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे तक अवेलेबल है, कितने दिन देर में आपको पानी देना है, इसके हिसाब से आपका ये सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में एक सब मेन वॉल होता है, सब मेन होती है, उस सब मेन के इनलेट पे एक वॉल होता है, सब मेन के लास्ट एंड पे एक फ्लश वॉल होता है जो सिस्टम में से जो भी गंदगी है, कचरा है जो जमा होने वाला, उसको निकालने में काम आता है। और फिर सब मेन में आपका जो क्रॉप स्पेसिंग है या रो स्पेसिंग है उसके हिसाब से आप ड्रिल होल्स करके उसमें से ट्यूबिंग निकालते हो और आगे जाते हो। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया सिंचाई का जो आरेखन है, एक ओवरऑल क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स आते हैं जिसके इंस्टॉलेशन के बारे में हमें जानकारी लेनी है, ये इसके बारे में हमने बात की। तो इसमें अभी हम थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं कि जब टपक सिंचाई आप लेते हो या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको करनी है तो क्या क्या चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास प्रॉपर डिजाइन है, एक आरेखन है, कुछ प्लान है। बहुत बार क्या हो जाता है कि आपने सिस्टम कर ली, पाइपलाइन डाल दी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का तो लाइफ होता है 5 साल 10 साल, अब याद किसे रहता है 2 3 साल का, यहाँ तो कल खाना क्या किया मैंने, मुझे तो आज खाना क्या किया मुझे याद नहीं। तो 5 साल के बाद में फिर पाइपलाइन कहाँ से गई ये पता नहीं, फिर किसी दिन हमको कुछ रिपेयर करना है या कुछ कनेक्शन करना है, एडिशन करना है, तो पाइपलाइन पता ही नहीं कहाँ थी, फिर यहाँ गड्ढा खोदे कि यहाँ गड्ढा खोदे, ये होता है। तो इसीलिए एक प्लान आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा प्लान का इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपको पता रहता है कि आपका प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम है। कुछ भी मन में आया भाई यहाँ पर 2 इंच डाल दो, उधर 3 इंच डाल दो, इधर ये कनेक्ट कर दो, इस तरह का सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपरली प्लान और प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम है। उसके बाद में जब भी आपके पास मटेरियल आता है, क्योंकि प्लान तो हो गया, उसके बाद में आपने मटेरियल का ऑर्डर दे दिया, मटेरियल आपके खेत में पहुंच गया, तो ये जांच कर लीजिए कि ये सारा मटेरियल जो आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताई थी उसके हिसाब से आया है या कम ज्यादा आया है। ये चेक कर लीजिए कि फिल्टर या जो हेवी पार्ट्स है उसमें से ये प्रॉपरली आया है या उसमें कुछ डैमेजेस है, खरोच है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, फिल्टर तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्रॉपरली पाउडर कोटिंग उसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से हमारी कंपनी से फिल्टर निकलता है, डेपो में जाता है या डीलर लोगों के पास जाता है, तो वहां पर एक बार उठाया, वहां पर नीचे रखा, वहां पर कहीं वापस वहीं वहीं से कहीं उठाया, आपके खेत तक उठाया, वहां पर उतारा। कुछ हमारे लोग होते हैं वो प्रॉपर केयर करके उतारते नहीं है, उठाया पटक दिया, ऐसे करते करते हो सकता है उसमें छोटी सी खरोच आ जाए, तो ये खरोच नहीं आनी चाहिए, ये आप जांच कर लीजिए। खरोच आती है तो क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जब सिस्टम का इंस्टॉलेशन होता है तो आप ये चेक कर लीजिए कि ड्रिपर जो जगह पे चाहिए उसी जगह पे है। बहुत बार जैसे कॉटन है, प्री मानसून सोइंग है, आपका पौधा बहुत छोटा है तो आपको ड्रिपर उसी जगह पे चाहिए जहां पर पौधा हो, या जिस जगह पे ड्रिपर है उस जगह पे फिर सोइंग करते हैं आजकल लोग, तो ये प्रॉपर पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चेक कर लीजिए कि ड्रिपर की पोजीशन बराबर है कि नहीं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात समझिए, बहुत बार क्या होता है कि जैसे बगीचा है उसमें 5 6 ड्रिपर, एक बड़ा सा पेड़ है उसके में 5 6 ड्रिपर लगने वाले हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि एक हमेशा एक लगता है कि भाई ड्रिप इरिगेशन है ना, ये तो थोड़ा सा पानी देगा, ये इतने बड़े पेड़ को पानी ये पूरा शायद नहीं करेगा, तो आज इधर पानी दिया तो थोड़ा सा मैं कल हटा के दूसरी तरफ कर देता हूँ, तो इधर भी पानी मिलेगा उधर भी पानी मिलेगा। दोस्तों ये समझो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम कैसे करती है।
और आपका पेड़ पानी कैसे देता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जब भी पानी नीचे जाता है तो एक वेट बल्ब जैसे पैर जैसा एक शेप तैयार हो जाता है, पानी फैलता है, नीचे जाता है, बाजू में जाता है और एक फैलाव तैयार हो जाता है। और जब आपके रूट्स है उसको लगभग 50-60% कवर किया तो भी सफिशियंट है, यानी उतने से भी आपकी पानी की जो जरूरत है, पेड़ की पानी की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि एक बात समझे दोस्तों कि भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, इसका मतलब हमें दोनों हाथों से खाना खाना चाहिए ऐसा नहीं होता। मेरा एक हाथ से खाना खा के भी उतना ही पेट भर सकता है। तो पानी एक जगह पे आपने दिया तो पानी तो पेड़ वहीं से लेगा, उसको जितना चाहिए उतना लेगा, बराबर है। तो ये होती है, मतलब इसीलिए ड्रिपर की पोजीशन एक जगह हुई तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको बार बार हलाना नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो पेड़ पानी कैसे लेता है, एक बात मैं आपको बोलता हूं, पानी जब आपने जमीन पे दिया और रूट्स जो है आपके पेड़ों के, जो पौधे के जो जड़े हैं वो उनमें सलिनिटी होती है, उसमें क्षारता होती है, और पानी हमेशा कम क्षारता की तरफ से ज्यादा क्षारता की तरफ दौड़ता है, जिसको हम ऑस्मेसिस बोलते हैं। आपने आरओ सिस्टम देखी होगी, जो आरओ सिस्टम उसकी उलट होती है, उल्टी होती है वो, तो जिसको हम रिवर्स ऑस्मेसिस बोलते हैं। तो ये जो ऑस्मेसिस होता है, ऑस्मेसिस का मतलब क्या है कि पानी कम क्षारता की तरफ से ज्यादा क्षारता की तरफ दौड़ता है। तो आपका जो पौधे है उसकी जो जड़े हैं उसके अंदर क्षारता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी मिट्टी में से, आपकी मिट्टी में क्षारता कम है, अगर कम है तो पानी जोर से दौड़ेगा, जैसे जैसे मिट्टी में क्षारता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी कम दौड़ेगा, या उसको ताकत लगानी पड़ेगी, उसको जल्दी से नहीं पहुंचेगा। हम बोलते हैं फिर मेरी जमीन खराब हो रही है। अगर ड्रिपर की जगह बदले, और ड्रिपर क्या काम करता है, ड्रिपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अगर आपकी सॉइल सलाइन है या खराश वाली जमीन है तो बहुत ही, यानी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। क्यों? क्योंकि ड्रिपर में से जब पानी बाहर आता है और जब वो फैलता है, नीचे जाता है, साइड में जाता है, आपकी जड़ों में से उसको वो क्षार उसमें से पिघल जाते हैं, और ये क्षार जो है सारे पिघल के ये जो पैर जैसा शेप तैयार हो जाता है उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं, यानी आपकी जड़ क्षेत्र जो है पौधे का उसमें से क्षार बाहर निकल गए। और जैसे ही ये क्षार बाहर निकल गए तो आपको सॉल्ट फ्री अच्छी तरह का जो जो मिट्टी में पानी मिला है वो इजीली खींचा जा सकता है। लेकिन आपने ड्रिपर की जगह बदल दी, एक जगह था उसको दूसरी जगह कर दिया, तो होता क्या है कि ये जो बल्ब तैयार हुआ है, ये जो क्षार वाला क्षेत्र जो बाहर है वो आपने अभी चेंज करके उसको रूट्स की तरफ ला लिया और रूट्स को वो इंटरफेयर कर रहा है। यानी क्या हो गया, ड्रिप इरिगेशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फायदा होगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से एक तरह से आप नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ड्रिपर की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर पोजिशन पे ड्रिपर होना बहुत जरूरी है। तो ये जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद में ट्रेंच करते हो आप लोग मेन लाइन सब मेन के लिए, वो प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सिस्टम का ट्रायल रन पूरी तरह से होने से पहले गड्ढे को कहीं पर भी भरो मत। हो सकता है कहीं पर ड्राई कॉन्टेक्ट है, ड्राई लगा दिया है, ऐसे कच्ची फिटिंग कर दी है, हो सकता है कहीं पर लीकेज है, तो ये देखने के लिए आपको गड्ढे नहीं बुझाने चाहिए, गड्ढे को बाद में भरिए। उसके बाद में हर जगह पे आपको प्रेशर चेक करने के लिए पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि ये प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम है, मतलब क्या, दबाव में चलने वाली। जब मैं बोलता हूं कि 4 लीटर का ड्रिपर आपको आपको 1 घंटे में 4 लीटर पानी देगा, तो इसका मतलब यह है कि जब आपके सिस्टम में ड्रिपर के पास वाला प्रेशर जब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब आपका ड्रिपर, अगर वो नॉन पीसी ड्रिपर है तो 4 लीटर पानी देने वाला है, या पीसी ड्रिपर है तो एक रेंज में देगा वो। तो और अगर ये प्रेशर कम हो गया या ज्यादा हो गया, अगर प्रेशर कम हो गया तो 1 केजी की जगह अगर मेरा आधे ही केजी का प्रेशर है तो क्या होगा, तो 4 लीटर की जगह ये 3 लीटर पानी देने वाला है। और अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, 4 लीटर 1 केजी की जगह 1.5 केजी हो गया, तो 4 की जगह ये शायद 6 लीटर 5.5 लीटर पानी देगा। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम आपके डिजाइन किए हैं, हमारे डिजाइन इंजीनियर ने 4 लीटर की गणना करके उसने ये सोचा कि हर पौधे को 4 लीटर के हिसाब से पानी मिलने वाला है, लेकिन या तो वो कम दे रहा है ज्यादा दे रहा है, तो ये ना होना चाहिए। इसलिए आपको सिस्टम में जगह जगह पे प्रेशर चेक पॉइंट होने जरूरी है। प्रेशर चेक पॉइंट मतलब क्या, जैसे सबमेन है, सबमेन के इनलेट के पास में आपको लगभग 1.5 केजी के आसपास का प्रेशर होना जरूरी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1.5 केजी का प्रेशर है कि नहीं, तो आप वहां पर एक ऐसा पॉइंट तैयार कीजिए कि जहां पर जाके आप प्रेशर चेक कर सकते हो कि 1.5 केजी है या नहीं। सिंपल है,
इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर जैसे हेल्थ चेक करता है वैसे ही आप हेल्थ चेक कर रहे हो सिस्टम की, कि भाई यहाँ पर पानी का प्रेशर है, इसका मतलब मेरी सिस्टम बराबर काम कर रही है। ये इस तरह के जो प्रेशर गेजेस होते हैं दोस्तों, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रेशर चेक पॉइंट आप सबमिट के ऊपर लगा सकते हो, ये निडल है, सिंपल है, ये प्रेशर गेज हाथ में लेके आप जगह जगह घूम सकते हो, आपके पॉकेट में ही होना जरूरी है। आपने उठाया ये खींच लगाया यहाँ पर 1 kg 2 kg ये जो प्रेशर है, इसमें आप देखिए कि प्रेशर कितना आ रहा है। प्रेशर कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, हो सकता है आपका फिल्टर चोक हो या बाकी कुछ चीजें हो, तो ये देखना जरूरी है। तो इसीलिए ये सिस्टम के ऊपर प्रेशर चेक पॉइंट होना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं अभी जो पहला पार्ट है इंस्टॉलेशन का। हालांकि जैन इरिगेशन सिस्टम की तरफ से आपको पंप नहीं दिया जाता है, लेकिन पंप क्या कैपेसिटी का होना चाहिए इसके बारे में जानकारी हम लोग आपको देते हैं। तो जब आप पंप का इंस्टॉलेशन करोगे तो कोई भी इंस्टॉलेशन हो, मेटल पार्ट, हेवी मेटल पार्ट, तो उसके लिए एक स्टेबल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वाइब्रेशन वहां पर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाइब्रेशन है जहां पर कनेक्टेड पाइपलाइंस है उसके ऊपर जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे जा रहे हैं वाइब्रेशन, एम्प्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और जो भी वीक पार्ट है, और कौन से वीक पार्ट है आपके सिस्टम में, हमेशा सिस्टम के वीक पार्ट होते हैं बॉल वॉल के पास वाला ज्वाइंट, या आपका जो सॉल्वेंट सीमेंट करके आपने जो ज्वाइंट लगाया होगा प्रॉपरली नहीं किया होगा तो ज्वाइंट वहां से लीकेज होना के चांसेस रहते हैं। तो ये पंप या जो भी सिस्टम का जो हेवी पार्ट है उसको प्रॉपरली स्टेबल सपोर्ट के ऊपर इंस्टॉल करना जरूरी है। उसके बाद में सक्शन पाइप आप टेढ़ा मेढ़ा ना डालिए, जा रहा है मतलब इस तरह से तिरछा, ऐसा गन्ना करिए, सीधा जाना जाना चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सक्शन की मैक्सिमम डेप्थ है उतने ही तक रखिए, उससे ज्यादा अगर होगा तो सक्शन कर नहीं सकेगा। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है या सरफेस पंप है तो, सबमर्सिबल पंप है तो बात अलग है, लेकिन अगर सबमर्सिबल पंप भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरा कहना ये है कि आप प्रॉपर केसिंग पाइप जैसे पीवीसी का हमारे जो कि वेल केसिंग पाइप है, या प्रॉपर कॉलम पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, या एचडीपी पाइप जो स्मूथ होते हैं अंदर से, जिसका अंदर का सर्फेस स्मूथ होता है, ऐसे पाइप का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि स्मूथ पाइप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें से जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो उसमें कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्लोरेट, आपको प्रवाह ज्यादा मिलता है, प्रेशर ज्यादा मिलता है। आप इतना बड़ा पंप खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो एक स्पेसिफिक प्रवाह, एक फ्लोरेट और एक प्रेशर मिलाने के लिए, और इतना पैसा देने के बाद अगर वो आपको कम मिलता है किसी और कारण से तो वो वैध भी नहीं है। तो ये कारण क्या हो सकता है कि सक्शन पाइप आपका रफ है या ठीक नहीं है, सक्शन पाइप टेढ़ा मेढ़ा है, सक्शन पाइप में शार्प एल्बोज है, एकदम शार्प टर्न लिया है, कोई भी शार्प टर्न आ गया तो गाड़ी का स्पीड कम ही हो जाता है, वैसे पानी का भी स्पीड कम हो जाता है, पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है वहां का। तो ये चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। पंप मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो भी मैनुअल आपको आता है उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके हिसाब से उसका इंस्टॉलेशन कीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आप खेल रहे हो, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो केयरफुली प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि पंप आपका ट्रैश, जब आपने आपका सरफेस पंप है, आपने फुटवाल डाला और फुटवाल जाम हो जाता है, काड़ी कचरा आ जाता है, फुटवाल के अंदर जाने की कोशिश करता है सक्शन की वजह से, और वहां पर वो फुटवाल जाम हो जाता है, फिर आपको निकालना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, वापस लगाना पड़ता है, ये समय की बर्बादी, लेबर की बर्बादी, काफी सारा नुकसान। तो उससे अच्छा है एक रोटोक्लीन फिल्टर जो हमारी कंपनी बनाती है, ये आप उसके साथ में लगा सकते हो। रोटोक्लीन फिल्टर में क्या होता है कि एक जाली है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, और उसके अंदर ही फुटवाल है, या बाहर भी फुटवाल लगा के आप दे सकते हो, और उसके अंदर नोजल्स है, स्प्रिंकलर के जैसे नोजल्स होते हैं वैसे, और वो कंटिन्यूअसली अंदर से जाली की तरफ पानी फेंकते हैं। तो जब भी कुछ कूड़ा कचरा जब जाली की तरफ आने की कोशिश करता है और जाली के ऊपर बैठने की कोशिश करता है तो ये स्प्रे करके उसको बाहर हटाता है, तो आपका फुटवाल चोक होने के चांसेस नहीं रहते। और दूसरा महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि इसकी खुद की ऊंचाई लगभग 1.5 फीट की होती है, तो ये फुटवाल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता है, तो जो मिट्टी वगैरह जो सीधा फुटबॉल में अंदर आने के चांसेस है वो बच जाते हैं। फिर भी इसको भी आपको मिट्टी में नहीं लगा सकते, आप इसको कोई ऊपर ही लगाना पड़ता है। तो ये पंप और उसके साथ में रोटोक्लीन फिल्टर किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए इसके बारे में हमने सोचा। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में दोस्तों अगर हमने उसके कॉम्पोनेंट्स की बात की तो ऊपर एक बड़ा सा साइक्लोनिक चेम्बर होता है, सीधा होता है जैसे हमारा सैंड सेपरेटर है, या तो फिर एक कोनिकल पार्ट होता है ऐसा टेढ़ा सा, और नीचे एक चेम्बर होता है, एक टंकी होती है छोटी सी जिसको हम सैंड कलेक्शन चेम्बर बोलते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं।
हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में क्या होता है कि जैसे हमने पहले बात की कि पूरी मिट्टी कचरा अंदर एक भंवर तैयार हो जाता है और पूरी जो मिट्टी सैंड ये जो है नीचे सैंड कलेक्शन चेंबर में आके जम जाती है। अब होगा क्या अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया या तो ये धीरे 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 सैंड उसके अंदर बढ़ती जाएगी और आपको उसको कुछ दिनों के बाद में या कुछ समय के बाद में ये उसको ड्रेन वॉल करके ये मिट्टी निकाल देनी पड़ती है। तो जब आप हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर इंस्टॉल करते हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि ये स्टेबल खड़ा है, इसका कोई भार पाइपलाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं तो फिर पाइपलाइन बिल्कुल पूरा हाइड्रोसाइक्लोन का लोड उठा रही है पीवीसी पाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका जो चेंबर है वो गड्ढे में नहीं होना चाहिए। मुझे याद है गुजरात में मैं गया था, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की कंप्लेंट्स थी, हमने देखा हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर पूरा चेंबर में गड्ढे में और उसको साफ करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, हाथ डालने के लिए जगह नहीं है, तो फार्मर तो साफ ही नहीं करता था उसको। और जब उसने साफ नहीं किया पूरा चेंबर अगर रेती से भर गया है और रेत को नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, रेत को ऊपर जाने नहीं देता क्योंकि पानी घूम रहा है, ऊपर तो सिर्फ साफ पानी जा रहा है तो रेत जाएगी कहाँ, ये रेत अंदर ही अंदर घूमते रहती है, तो घूमेगी तो क्या करेंगे, ये घूमते घूमते काटना शुरू कर देती है, जो मेटल पार्ट है उसको काटना शुरू कर देती है, तो धीरे धीरे वहां पर जो उसका अपेक्स होता है जो कोनिकल पार्ट वहां पर गड्ढे तैयार हो जाते हैं, होल्स तैयार हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर अगर आप कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा एरिया मतलब सैंड चैम्बर भी ऊपर होना चाहिए जमीन के प्रॉपरली, ड्रेन वॉल एक्सेसिबल होना चाहिए, कहीं एकदम ही कोने में कि जहां पर हाथ भी नहीं जा सके ऐसा नहीं करिए, प्रॉपरली ऊपर होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, कहीं पर पाइपलाइन के ऊपर उसका लोड नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर फिल्टर इंस्टॉल करते वक्त तो उसमें कोई खरोच आ गई तो एक बात समझिए, ये खरोच छोटी सी खरोच होती है, आप हमारे तरफ से तो पाउडर कोटिंग पूरी तरह से किया जाता है लेकिन इंस्टॉल करते वक्त स्पैनर घूम गया या आपके पास अनलोडिंग हुआ मटेरियल लगाते वक्त कुछ हिल गया लग गया, तो ये जो खरोच अगर आ गई है तो तुरंत ये खरोच के ऊपर या तो ऑयल पेंट लगा दीजिए, या ऑयल पेंट अगर नहीं है आपके पास तो सिंपल कुछ भी ट्रांसफार्मर ऑयल वगैरह लगा दीजिए ताकि जो वातावरण का के साथ में वो खरोच का कांटेक्ट कम होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए दोस्तों, आपको आपको पता होगा आप जब बरसात के दिनों में मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हो बहुत सारा कीचड़ जम जाता है, आपकी जो साइकिल की रिम होती है मोटरसाइकिल की जो रिम होती है उसके ऊपर कीचड़ आ जाता है, आप सोचते हैं भाई अभी साफ करूंगा वापस कल बारिश हो जाएंगी वापस कीचड़ हो जाएगा वापस खराब हो जाएंगे, तो बरसात खत्म होने के बाद ही एक ही साथ उसको मैं क्लीन करता हूँ। और जब बरसात खत्म होने के बाद आप उसको क्लीन करने जाते हो तो आपने देखा होगा आपको याद होगा कि ये जो साइकिल की रिम होती है या मोटरसाइकिल की रिम होती है उसके ऊपर लाल लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं, इसको कहा जाता है पिटिंग करोजन, पिटिंग वाला जंग, ये जंग पकड़ रहा है वहां से, तो ये पिटिंग करोजन मतलब क्या, एक छोटा सा होल है छोटी सी खरोच है उसको उसको वहां पर धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहां पर जंग पकड़ रही है और वो जंग धीरे 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 अंदर बढ़ रही है, कुछ दिनों बाद आपने वहां पर कुछ केयर नहीं की तो पूरा उधर होल करके उसके खराब कर देता है। यही स्थिति हाइड्रोसाइक्लोन या कोई भी मेटल पार्ट में हो सकती है, तो कहीं पर भी मेटल पार्ट में अगर कहीं खरोच आ रही है एक्सपोज हो रहा है तो तुरंत वहां पर जिस भी कलर का ऑयल पेंट मिलेगा आपको वो ऑयल पेंट लगा दीजिए, या नहीं मिलता है तो ऑयल लगा दीजिए, ऑयल लगाया तो वो निकल जाएगा, बार बार आपको लगाना पड़ेगा, इतना आपको केयर करना पड़ेगा। तो ये जो झंझट है खरोच आ गई तो फिर आप उसको ऑयल पेंट लगाओ ऑयल लगाओ, ये इससे निपटने के लिए और बहुत अच्छी इफिशियंसी मिलने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म मिलने के लिए हमने एक नया फिल्टर आपके सामने अभी लाया है जिसका नाम है जैन बूमर, ये प्लास्टिक का है, तो इसमें ये जो रेत घूमेगी जिसकी वजह से पूरा इरोजन हो जाएगा या करोजन हो जाएगा इसकी कोई जंग लगना वगैरह इसका कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हल्का है तो इसका पाइपलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी स्टेबल सपोर्ट पे रखना जरूरी है। और इसका हमारा एक पेटेंटेड डिजाइन है जिसमें आपकी लगभग 95% तक की रेत या मिट्टी निकालने की इसकी क्षमता है, आप सोचिए ये 95% की तक की मिट्टी निकाल सकता है। और मिट्टी निकालना क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चोक होती है, क्यों चोक होती है, क्षार की वजह से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्षार की वजह से जरूर चोक होती है लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्षार से भी ज्यादा झीणी मिट्टी की वजह से चोक होती है, और मिट्टी अगर ड्रिपर के अंदर जम गई तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, एसिड का मिट्टी के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ये जान लीजिए कि मिट्टी आपकी दुश्मन है, मिट्टी मिट्टी तो आपकी माँ है
लेकिन मिट्टी अगर अंदर आ रही है सिस्टम के तो वहां पर उसको आपको रोकना चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर एक प्राइमरी फिल्टर होता है, ये जरूर आपने लगाना चाहिए। उसमें भी जैन घूमर जैसा जो फिल्टर है ये तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, तो ये फिल्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमने ड्रेन वॉल में वॉल की जगह पे एक छोटी सी नली रखी है, सिर्फ नली खोलो वापस, आप जैसे पॉलिटिक की नली खोल के फ्लश करते हो, सब फ्लश करो और रखो। और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की, अगर आपको कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन हो, आपका मेटल है, प्लास्टिक का झूमर है या जो भी है, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर एफिशिएंसी लानी है उसमें, तो नीचे वाली जो ट्यूब है या ड्रेन वॉल है उसको थोड़ा सा खोल के रख दीजिए, उसमें से कंटिन्यूअसली जो भी मिट्टी जमा हो रही है वो जाने दीजिए, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, सिस्टम की ट्रैपिंग एफिशिएंसी, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की ट्रैपिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर उसमें क्या है कि आपका पानी निकल रहा है तो पानी वेस्ट होने जैसा है, तो वो पानी को आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़े पेड़ को डायरेक्टली दे सकते हो माइक्रो स्प्रिंकलर के द्वारा, या बड़े स्प्रिंकलर के द्वारा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये एक सुझाव है, आपको अगर सुटेबल लगता होगा तो आप इसको करिए, तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का मेंटेनेंस का हेडेक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर आता है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर में आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक आड़ा मॉडल है, एक खड़ा मॉडल है जिसको आड़े को हम बोलते हैं क्लीन मास्टर, जो खड़ा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर मास्टर। ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्टर के ऊपर हम एक और संगोष्ठी लेने वाले हैं जिसमें ये सारी चीज, फिल्टर का सिलेक्शन, चयन कैसे करना, उसका और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बारे में जरूर बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसके इंस्टॉलेशन की। तो कोई भी सैंड फिल्टर है, एक हेवी फिल्टर है, बहुत ज्यादा उसका वजन है, क्योंकि उसका खुद का वजन है, उसके अंदर सैंड आ रही है, उस सैंड का वजन है, ये सारे वजन को संभालना, और वो भी पाइपलाइन से कनेक्टेड है, तो आपको इसको बहुत ही प्रॉपर अच्छा सपोर्ट देना जरूरी है। हर जगह पे मैं यही बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर सपोर्ट देना जरूरी, तो सपोर्ट देना जरूरी है। उसके बाद में इसमें सैंड फिल्टर में क्या होता है कि सैंड फिल्टर में टंकी है, उसके बाद में उसके अंदर मशरूम या कैंडल्स होती है, जिसमें मतलब काले रंग के ऐसे जिसमें छेद होते हैं, स्क्रीन होते हैं, और इसमें से पानी छन के फिर अंदर की तरफ जाता है। तो जब आप रेत डालोगे उसके अंदर, तो रेत डालने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि सारी, जिसको हम कैंडल बोलते हैं, ये कैंडल सारी बराबर फिट है कि नहीं, कहीं टूटी तो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में या हैंडलिंग में, ये सब आप चेक कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार कैंडल टूटी हुई है, आपने रेत ऊपर से डाल दी, जैसे पानी चालू कर दिया, कैंडल टूटी हुई कैंडल में से पानी अंदर, रेत अंदर घुस गई सारी सिस्टम में, या आगे स्क्रीन फिल्टर होगा उसमें जाके रेत बैठ गई, तो ऐसा ना होने किससे, और फिर बाद में पूरा निकालना और साफ करना बहुत ही ज्यादा कंबरसम है, बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत लगती है। तो इसीलिए ये अच्छा है कि आप उसको सैंड फिल्टर को रेत डालने से पहले ही आप उसको चेक कर लीजिए। उसमें बाद में जब आप रेत डालोगे, सैंड जो हमारे ग्रेडेड सिलिका सैंड है वो जब आप उसमें डालोगे, तो हमेशा याद रखिए कि पहली बार सैंड का जो लेयर है उसके लगभग 1 इंच ऊपर तक आपका सैंड का लेयर, सैंड आपको डालनी है, ताकि जब भी सिस्टम चालू हो जाएगी तो ये दबने से पूरा वो जो एक सैंड लेवल हमने मार्क की रहती है वो लेवल तक आपकी सैंड आ जाएंगे। ये छोटा सा एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सैंड फिल्टर का इंस्टॉलेशन जब आप करते हो तो किस तरह से होता है। ये देखिए एक स्टेबल प्रॉपर कंक्रीट का स्टेबल सपोर्ट हमने किया है, ये स्क्रीन मास्टर जो आड़ा सैंड फिल्टर है वो है, उसको ये इनलेट आउटलेट के मैनिफोल्ड हम लगा रहे हैं, और ये पीछे बैकवॉश का वाला है, ये मैनुअल सैंड फिल्टर है। सैंड फिल्टर में अलग अलग टाइप के आते हैं, मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक आता है, सेमी ऑटोमेटिक आता है। ये देखिए ये कैंडल्स है अंदर, ये जो कैंडल्स है ये कैंडल्स को आपको चेक करना जरूरी है, फिर ऊपर से आपने रेत डालना शुरू कर दिया, ये जो मैनुअल है बड़ा सा ढक्कन खोल के उसमें से, और ये इस तरह से आपने सैंड फिल्टर का इंस्टॉलेशन किया। जब ये सैंड फिल्टर को आप इंस्टॉल करते हो दोस्तों, उसके बाद में जब आप बैकवॉश करते हो, तो पहली बार आपको सैंड फिल्टर को बैकवॉश मोड में ही रखना है पूरे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ये जो रेत आती है, रेत भी बहुत सारी जगह से आई है, उसमें बहुत सारी जब रेत आ रही है आपको, तो जगह जगह पे हमारे लोगों ने किसी ने उसको फेंका ऊपर से नीचे तक, तो हो सकता है कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ गया होगा, छोटे मोटे उसमें से कण निकल गए होंगे, तो पाउडर फॉर्म हो जाती है। तो पहली बार आप जब सैंड फिल्टर चलाते हो तो पहले बैकवॉश मोड में चालू कर दीजिए, उसका बैकवॉश कर लीजिए, और फिर वो पानी फ्लश हो जाएगा। तो ये हो गया सैंड फिल्टर का इंस्टॉलेशन। सैंड फिल्टर को जब आप बैकवॉश करते हो तब भी आप ध्यान में रखिए कि बैकवॉश किस तरह से करना है। सैंड फिल्टर में होते हैं 4 वॉल्स, एक होता है इनलेट का वॉल जहां से पानी अंदर आया, दूसरा होता है आउटलेट का वॉल जहां से पानी बाहर गया, तीसरा होता है एक बाईपास का वॉल जिसमें से पानी आपने बाईपास करके
सैंड फिल्टर में जब बैकवॉश कर रहे हो आप तो अंदर ले गए। और तीसरा एक चौथा वॉल है जो है बैकवॉश का वॉल, जिसको खोल के आप पूरा उसको बाहर ले जा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी आप बैकवॉश शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बैकवॉश का वॉल चालू करना है, मतलब आपका इनलेट का वॉल चालू है, आउटलेट का वॉल चालू है, आपने बैकवॉश का वॉल खोल दिया, पानी इनलेट से आया सीधा बैकवॉश की तरफ जा रहा है, कुछ पानी फिल्टर में जा रहा है, कुछ पानी बैकवॉश की तरफ जा रहा है, बराबर। फिर आप आउटलेट का वाल्व बंद कर दीजिए। फिर आउटलेट का वाल्व बंद करना मतलब क्या हो गया कि आपका पानी इनलेट की तरफ सारा आ रहा है, बैकवॉश के से बाहर निकल रहा है, आउटलेट की तरफ का रास्ता आपने बंद कर दिया। फिर आपने बाईपास का वाल्व खोलना चाहिए। तो बाईपास का वाल्व खोलने से क्या हो जाता है कि पानी अभी इनलेट की तरफ भी जा रहा है और बाईपास की तरफ से भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी में आप इनलेट का वाल्व क्लोज कर रहे हो। जब आप इनलेट का वाल्व क्लोज कर रहे हो तो सारा का सारा पानी इनलेट की तरफ बाईपास की तरफ से जा रहा है, पानी को रेत को पूरा उसको हिला रहा है, रेत में से जो भी कूड़ा कचरा जमा है उसको ऊपर उठा रहा है और उसको बाईपास बैकवॉश वाल्व से उसको बाहर फेंक रहा है। ये ऐसा क्यों करना है और इसी क्रम में क्यों करना है, ताकि अगर आपने इनलेट का वाल्व सडनली बंद कर दिया तो हो सकता है पंप के ऊपर प्रेशर आ जाए। ये पंप के ऊपर सडनली प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से स्मूथली आप इसको ट्रांजिट करते हो। और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं पॉसिबल, मेरा खेत का आदमी ये करेगा नहीं करेगा, तो आप उसमें सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक सैंड फिल्टर ले सकते हो, जिसमें चारों वाल्व का ऑपरेशन एट अ टाइम होता है और स्मूथली होता है, कहीं पर भी जर्क नहीं आता सिस्टम में। तो ये जरूरी है सैंड फिल्टर का इंस्टॉलेशन जब आप करते हो तो। आगे उसके बाद में दोस्तों आता है स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर में आपको इनलेट आउटलेट देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फिल्टर होते हैं इन टू आउट, कुछ फिल्टर होते हैं आउट टू इन। इन टू आउट और आउट टू इन का मतलब क्या है कि जैसे ये स्क्रीन फिल्टर है, ये छोटा फिल्टर है लेकिन ये स्क्रीन फिल्टर है, इसमें जाली बाहर की तरफ लगी है, पानी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आने वाला है, ये हो गया आउटसाइड टू इनसाइड। कुछ फिल्टर ऐसे होते हैं कि जाली अंदर से होती है, पानी अंदर जाता है, अंदर से चल के बाहर निकलता है, जैसे हमारा स्मार्ट क्लीन हो गया तो होता है इन टू आउट। तो ये अलग अलग फिल्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको डायरेक्शन जो फिल्टर की है ये देखना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में इनलेट आउटलेट, उल्टा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उल्टा अगर हो गया तो पानी आउट टू इन का पानी अंदर से आ जाएगा और अंदर की तरफ से जाली के ऊपर प्रेशर करेगा, तो ऐसा नहीं करना, इनलेट आउटलेट कनेक्शन में देखना है। दूसरा, इनलेट आउटलेट को प्रॉपर सपोर्ट देना फिर से जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है। आपकी जो सिस्टम है, जो ऊपर की सिस्टम है जिसमें सैंड फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, ये सारे के सारे फिल्टर्स स्टेबल होना जरूरी है, उसने हिलना डुलना नहीं चाहिए, एक जगह पे खड़ा रहना चाहिए, प्रॉपरली खड़ा रहना चाहिए। कोई भी सिस्टम में जर्क आता है, बैक प्रेशर आता है, तो उसके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हेवी चीज है, ये इसका लोड अगर कहीं आ गया तो पाइपलाइन को तोड़ देगा या बिगाड़ देगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड फिल्टर हो या स्क्रीन फिल्टर हो, उसको बहुत जोर से कसना नहीं चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि पूरे ताकत लगा के उसको कस दिया, रबर कवर है जो बहुत ज्यादा कस के उसको गास्केट टूटने के चांसेस रहते हैं, तो उसको नॉमिनल टॉर्क लगा के, जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल ताकत लगा के उसको क्लोज करना चाहिए। और बहुत ज्यादा क्लोज करने से रबर धीरे धीरे घिस सकता है, कट सकता है, टूट सकता है, या गास्केट लीकेज हो सकती है, स्लिप हो सकती है, तो ये देख लीजिए। दूसरी बात, जब आप स्क्रीन फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका ड्रेन वॉल की पोजीशन प्रॉपर होना जरूरी है, प्रॉपरली उसमें से सारा पानी बाहर निकल सके, उसके अंदर ही रुका नहीं रह सके, ये देख के आपको उसका ड्रेन वॉल का पोजीशन डिसाइड करना जरूरी है। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हमारा नया फिल्टर है स्मार्ट क्लीन, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपको जब आप स्क्रीन फिल्टर लेते हो, जब ये स्क्रीन अगर पूरा तरह से चोक हो गई तो आपको सिस्टम बंद करो, बाहर निकालो, स्क्रीन को साफ करो, वापस लगाओ, ये इसमें टाइम जाता है। आपके पास 4-5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है या 6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से आधा घंटा अगर स्क्रीन को साफ करने में चला गया तो ये तो नुकसान है। तो इसीलिए ये ऑनलाइन स्क्रीन फिल्टर है जिसको आपको स्क्रीन निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप स्क्रीन को क्लीन करते रहता है। इसके अंदर सक्शन नोजल्स है, जैसे अपने वैक्यूम क्लीनर होता है कि वैक्यूम से वो पूरी डर्ट नीचे की जमीन के ऊपर की खींचता है, ऐसे ही इसमें मैकेनिज्म है जिसको ये जो नोजल आप देख रहे हो घूम रहे हैं, ये पूरे घूम के जो भी स्क्रीन के ऊपर जो भी कूड़ा कचरा आपके जम गया है उसको खींचता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो ये फिल्टर है,
स्मार्ट में फिल्टर, जिसमें एक प्राइमरी फिल्टर होता है जो जाली जैसा होता है, और उसके बाद में ये जो रेगुलर फिल्टर है। तो प्राइमरी फिल्टर में कैसा है कि पत्थर वत्थर अगर कुछ बड़े से आ रहे हैं या पत्ते आ रहे हैं तो ये इसमें अटक जाते हैं, और बाद में जो भी मिट्टी वगैरह अंदर आ रही है ये स्क्रीन में अटक जाती है। ये नोजल के द्वारा ये मिट्टी बाहर यहाँ से फेंकी जाती है। तो ये दोस्तों है स्मार्ट क्लीन फिल्टर है। एक बात समझिए, ये स्क्रीन फिल्टर है, स्मार्ट क्लीन स्क्रीन फिल्टर है, ये सैंड फिल्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लगा दिया तो लाइफ जिंगा लाला, ऐसा नहीं होता। ये फिल्टर स्क्रीन फिल्टर का काम करता है, सैंड फिल्टर को काम अलग है। सैंड फिल्टर का काम क्या है? सैंड फिल्टर का काम है आपके पानी में अगर काई है, शैवाल है, तो उसको निकालना। और स्क्रीन फिल्टर का काम क्या है? आपके पानी में अगर मिट्टी है, रेत है, बड़े सैंड पार्टिकल्स है, तो उसको निकालना। दोनों के काम अलग है, दोनों काम एक साथ करना मुश्किल है। वैसे भी फिल्टर्स है हमारे पास, लेकिन ये नहीं है। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सिस्टम का वो है वेंचुरी और वेंचुरी असेंबली। वेंचुरी में दो तीन प्रकार है, यानी एक तो इंस्टॉलेशन किस तरह से करना चाहिए, और उसके पहले मैं ये बोलूंगा कि वेंचुरी का सिलेक्शन या चयन किस तरह से करना चाहिए, मुझे कौन सी वेंचुरी चाहिए। मैंने बहुत सारे वेंचुरीज है, कोई बोलता है 2 इंच की ले लो तो बहुत बढ़िया, कोई बोलता है 1.5 इंच की ले लो, कोई कहीं किसी जगह पे 1.25 इंच की चलती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो कौन सी वेंचुरी मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए सुटेबल है, उपयोगी है, ये बात आपको तय करना जरूरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन बात करेंगे। लेकिन वेंचुरी इंस्टॉल करने से पहले आपको उसकी डायरेक्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंचुरी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पहले एक छोटा सा कोन आता है, उसके बाद में आपका सक्शन आता है, और उसके बाद में एक छोटा एक लंबा सा कोन है। तो ये लंबा सा कोन हमेशा बाहर की तरफ से या आउटलेट की तरफ होना चाहिए। छोटा कोन जो है इसमें से पानी अंदर आना चाहिए। छोटे कोन में से पानी अंदर आया, लंबे से कोन में से बाहर निकला। तो ये जो है जैसे ये वेंचुरी है, तो यहां पर अभी पानी यहां से आ रहा है, ये छोटा कोन है, यहां से पानी अंदर आया और यहां से बाहर जा रहा है, ये आउटलेट की तरफ है। ये अगर उल्टा लगाया तो क्या होगा, ये उल्टा लगाया तो पानी यहाँ सक्शन पाइप में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग फोन करते हैं, साहब वेंचुरी तो काम ही नहीं कर रही आपकी। तो वेंचुरी में कुछ नहीं है, वेंचुरी में ना कोई घूमने वाली चीज है, ना कोई मैकेनिज्म है, एक सिर्फ ये कोन है और एक दूसरा कोन है, बाकी इसमें कुछ मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर ये उल्टा हो गया या प्रेशर आपका कम ज्यादा हो गया तो ये वेंचुरी काम नहीं करेगा, अदरवाइज ये वेंचुरी मैकेनिकल चीज है, काम करेगी करेगी। तो ये चीज देखना जरूरी है कि मेरा वेंचुरी का डायरेक्शन बराबर है कि नहीं। दूसरा, मुझे वेंचुरी को चलाने के लिए जो प्रेशर डिफरेंस चाहिए वो मुझे इसमें मिलने वाला है कि नहीं। बहुत बार होता है कि मैं प्रेशर डिफरेंस कितना चाहिए वेंचुरी में, तो आप ये बात समझिए कि ये इनलेट है, इसका ये आउटलेट है, ये दोनों के बीच में कम से कम 0.8 to 1 kg/cm² इतना डिफरेंशियल प्रेशर, इतना प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। और जब आप सिस्टम चलाते हो तो यूजुअली जैसे पंप के पास वाला सिस्टम है ये, तो 2 kg के आसपास का प्रेशर है। जब आप ये वॉल दबाना शुरू कर देते हो, तो जब आप ये वॉल दबाते हो नीचे, तो इस तरफ का प्रेशर बढ़ेगा, इस तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ये 2 kg पे चल रहा था, पूरा वॉल खुला था, जब मैं इसको दबाना शुरू कर दिया तो ये 2 का 2.5 हो गया, ये इस तरफ 2 का 1.5 हो गया, मतलब 1 kg का डिफरेंस आपको मिल गया। आपके एक्चुअल सिस्टम का प्रेशर कितना डाउन हो गया, सिर्फ 0.5 से। एक्चुअल सिस्टम का प्रेशर 0.5 से डाउन हुआ, क्योंकि 2 का मैंने इधर 1.5 किया है, लेकिन मेरा ओवरऑल डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो 1 kg का है। जब ये वेंचुरी प्रॉपरली सक करेगी, कम प्रेशर में भी सक करेगी, कम करेगी, उसके एक उसके चार्ट हमारे कैटलॉग में दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप उसको चयन उसका कर सकते हो। दूसरी बात, वेंचुरी जब आप लगाते हो तो वेंचुरी का सक्शन पाइप बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सक करना है, निगेटिव प्रेशर है। तो ये सक्शन पाइप आपका बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि सक्शन करने में तकलीफ है। ये सक्शन पाइप आपका ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं होना चाहिए, प्रॉपर नीचे होना चाहिए ताकि वो इजीली सक कर सके। तो वेंचुरी का जो इंस्टॉलेशन है वो करते समय ये चीजें देखना जरूरी है। इसके लिए हमारे प्रॉपर हेडर असेंबली मिलती है रेडीमेड, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल करना जरूरी है। ये दोस्तों थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाना चाहूंगा, मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं गणित करना, क्योंकि गणित करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप देखिए कि एक मैं वेंचुरी का चयन किस तरह से करना चाहिए, इसका बारे में मैंने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण लिया है ऐसा है कि जैसे कि बनाना का एक खेत है और 1.5 एकड़ का खेत है, मुझे 1.5 एकड़ में एक साथ खाद डालना है, खाद देना है। खाद है यूरिया,
बनाना का क्रॉप है, 5 5 फीट बाय 6 फीट पे मैंने लगाया उसको, और इसका सिस्टम का फ्लो है 4.84 LPS, ये मेरा सिस्टम का फ्लो है। और एक पौधे के पास 16 LPS का पानी दे रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि 8 LPS के दो ड्रिपर है या 4 LPS के चार दोनों तरफ से इन लाइन जारी होंगी। तो ऐसे कुछ ड्रिपर्स होंगे जिस यहाँ पर पौधे के पास में एक पौधे को मैं 16 लीटर का पानी दे रहा हूँ, सिस्टम में चलाता हूँ 1.5 घंटे तक। और इसके मुझे चाहिए कि मुझे कौन सी विंजुरी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों पीक जो फर्टिलाइजर है, हमेशा वेंचुरी का चयन जो होता है वो पीक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो भी होगा, मतलब बहुत सारे खाद आप डालते होंगे उसमें से ज्यादा खाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब लगता है वो मात्रा के लिए अनुकूल आपकी वेंचुरी होनी चाहिए। तो हो सकता है ये यूरिया का जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो बनाना के लिए 6.5 ग्राम पर प्लांट, ये पीक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, ये उदाहरण है, ये सही होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये 6.5 ग्राम का यूरिया मुझे लग रहा है एक पौधे के पास। ऐसे कितने पौधे हैं मेरे पास, मेरे 1.5 एकड़ में 2177 पौधे है बराबर, और मेरा सिस्टम का ऑपरेटिंग प्रेशर है 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये गणित समझ में आ गया कि मेरा एक बनाना का खेत है, 1.5 एकड़ का प्लॉट है, 1.5 एकड़ को मुझे एक साथ खाद देना है, खाद मेरा बनाना में यूरिया डालना है, हर पौधे को 6.5 ग्राम का यूरिया मिलना चाहिए, ये मेरा गणित है। तो अभी मैं कौन सी वेंचुरी इस्तेमाल करूँ इसके लिए, तो दोस्तों इसका गणित यहाँ पर दिया है कि मेरी पौधों की संख्या है 2177, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, और यूरिया की मात्रा है 6.5 ग्राम, इसका मतलब मुझे लग रहा है लगभग 14.5 किलोग्राम या 14.15 किलोग्राम का यूरिया मुझे लगने वाला है ये 1.5 एकड़ को खाद डालने के लिए। अब ये कितनी देर में डालना है इसके बारे में बात करना मैं भूल गया, ये जो फर्टिगेशन टाइम हमने लिखा है ये मुझे 1.5 घंटा इरीगेशन से दे रहा हूँ मैं, और 1 घंटे के लिए मैं उसमें से 1 घंटे में मुझे खाद देना है, और 15 15 मिनट मुझे छोड़ देने पहले और बाद में। क्यों छोड़ने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वाटर बिफोर और वाटर आफ्टर बोलते हैं। जब आप खाद देते हो और जब आपके ड्रिपर में से खाद बाहर आना शुरू हो जाता है, मतलब पानी और खाद बाहर आना शुरू हो जाता है, बहुत बार क्या होता है कि जो पहला ड्रॉप आप डालते हो ये पहला ड्रॉप नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर से और ड्रॉप आ रहे पानी के, और नीचे का जो ये पहला ड्रॉप है ये रूट जोन के बिल्कुल कोने तक चला जाता है या कभी कभी बाहर निकल जाता है, तो वहां पर आपका वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका जो खाद है ये खाद जो इफेक्टिव रूट जोन हम जिसको बोलते हैं वहीं पर रहना चाहिए, बहुत ऊपर भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर आपका लगभग 4 5 इंच के बाद में आपका रूट जोन शुरू हो जाता है, तो ऊपर के 4 5 इंच में खाद डाल के कोई फायदा नहीं इमीडिएटली, तो खाद तो 4 5 इंच के बाद में आना चाहिए, और एक जो भी आपका पौधा है उसके हिसाब से इफेक्टिव रूट जोन में रहना चाहिए, एकदम नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो ये हिसाब से आपको खाद बीच में ही रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले शुरू में कुछ देर तक पानी दो सिर्फ, तो पानी चला गया आखिर तक, उसके बाद में आपने खाद देना शुरू कर दिया तो खाद बीच में रुक गया, उसके बाद में वापस आपने पानी देना शुरू कर दिया खाद खत्म होने के बाद में, तो वापस आपने जो ऊपर जो खाद था उसको भी नीचे पुश कर दिया, और ऊपर के जो 3 4 इंच का जो लेयर था जहां पर सिर्फ मिट्टी है, जहां पर रूट जोन नहीं है, वहां पर आपका सिर्फ पानी है, वहां पर खाद नहीं है, और ये करते वक्त जो पाइपलाइन में जो खाद है वो भी आपने पौधों तक पहुंचा दिया, पाइपलाइन में उसको रुकाया नहीं। तो ये इसको वाटर बिफोर और वाटर आफ्टर करते हैं, जब भी आप वेंचुरी चलाते हो या कोई भी खाद देते हो किसी वेंचुरी द्वारा हो, फर्टिलाइजर टैंक किसी भी तरह से, तो वाटर बिफोर और वाटर आफ्टर करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है ये भी समझो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी में खाद देना होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे 15 मिनट में देना है, 20 मिनट में देना है, अगर हो सके तो उसको टालो, क्योंकि खाद का एक सिंपल नियम है, एग्रोनॉमिस्ट लोग जैसे हमारे केवी पाटिल साहब है, जड़े साहब है, सोमन साहब है, ये आपको ज्यादा बता सकते हैं कि खाद जितना धीरे धीरे दोगे उतना ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खाद एक साथ देंगे तो शायद वो अच्छा नहीं होगा, तो जितना धीरे धीरे लंबे समय तक खाद दे सकते हो उतना अच्छा। तो ये हो गया, हम बात कर रहे थे वेंचुरी के चयन की, तो वेंचुरी के बारे में हमने बात किया कि मुझे 14.15 किलोग्राम का यूरिया अभी लगने वाला है। अब यूरिया कितने पानी में घुलने वाला है, हर एक खाद की अपनी अपनी घुलनशीलता जो होती है कि उसको वो कितना सोल्युबिलिटी होती है कि कितने पानी में ये डिसॉल्व होगा, कितने पानी में पानी लगेगा उसको सोल्युबल करने के लिए, इसका गणित है जो हमारे कंपनी के फर्टिलाइजर या फर्टिकेशन मैनुअल में आपको मिलेगा। तो यूरिया के लिए लगभग 570 ग्राम का यूरिया 1 लीटर पानी में घुल जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 14.15 या 14,150 ग्राम का यूरिया के लिए मुझे कितना पानी लगेगा, तो मुझे लगभग 24.82 जो प्रॉपर गणित से किया गया है 25 लीटर मुझे लगेगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि मुझे 25 लीटर पानी चाहिए,
और 25 लीटर पानी में मैं 14 किलो का यूरिया डालूंगा, उसको घोल बनाऊंगा और ये घोल के मैं 1 घंटे के अंदर सिस्टम में दूंगा। तो 25 लीटर पानी 1 घंटे में कौन सी वेंचुरी ले जा सकती है, ये आपको चयन करना है। तो उसके लिए हमारे जो कैटलॉग्स है या कोई जो हमारे आप अगर प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करते हो उसमें वेंचुरी के जो कैटलॉग दिए गए, टेबल्स दिए हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि हर वेंचुरी कौन से प्रेशर डिफरेंस को कितना सक्शन करती है। तो जो भी वेंचुरी 25 लीटर का सक्शन करती है वो वेंचुरी आपको सिलेक्ट करनी है, उसका चयन करना है आपको। तो जैसे ये केस में अभी 1.25 इंच की छोटी वेंचुरी भी काम कर सकती है, तो इसलिए आपने 1.25 इंच की वेंचुरी ली। तो ये दोस्तों वेंचुरी का चयन किस तरह से करना चाहिए, थोड़ा सा तांत्रिक था, थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स मैंने इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन आपको आपके पास ये रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, तो आप कभी भी ये जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद में उर्वरक की टाकी या फर्टिलाइजर टैंक ये भी आता है। तो फर्टिलाइजर टैंक भी प्लास्टिक में अब देने लग गए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा हल्का है, कहीं पर भी उठा के आप उसको पोर्टेबिलिटी है उसमें ले जा सकते हो। फर्टिलाइजर टैंक ये डिफरेंशियल प्रेशर पे काम करने वाला चीज है, ये इसको वेंचुरी जितना प्रेशर डिफरेंस नहीं लगता। जैसे वेंचुरी में हमने बात की थी कि 0.821 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, इतना इसमें नहीं लगता। ये 0.2 0.3 जितना प्रेशर डिफरेंस करोगे उसके हिसाब से पानी जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजर टैंक में आप खाद भरते हो, एक तरफ से पानी आता है हाई प्रेशर में, आपने वाल उसको दबाना शुरू कर दिया, पानी हाई प्रेशर में टाकी की तरफ आया, टाकी से फिर पानी, जैसे मैंने आपको कहा कि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ता है, तो लोअर प्रेशर की तरफ फर्टिलाइजर को लेके जाना शुरू कर देता है। तो फर्टिलाइजर टैंक जो भी आपने इस्तेमाल किया तो उसमें से फर्टिलाइजर और पानी मिक्स होके अंदर जा रहा है। तो उधर तो कोई आपका दिखने का सवाल नहीं कि भाई मेरा खाद खत्म हो गया, क्योंकि खाद जैसे जा रहा है धीरे धीरे वैसे वैसे उसमें पानी भी आते जा रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा खाद खत्म हो गया देखकर? तो उसके लिए हमने कुछ टेबल्स बनाए हैं। जैसे आपका डिफरेंशियल प्रेशर अगर 0.2 का है और आपके अगर 60 लीटर की फर्टिलाइजर टैंक है, तो इसका मतलब आपका 15 लीटर में पूरा उसमें से खाद आगे निकल गया होगा। तो आप इसका ये टेबल का इस्तेमाल करके आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 15 मिनट में खाद देना है, तो 15 मिनट में मेरा ये 0.2 डिफरेंस पे इतना इतना चला जाएगा। इस तरह से फर्टिलाइजर टैंक का कैलकुलेशन होता है। और फर्टिलाइजर टैंक के बारे में एक बात बताना भूल गया कि फर्टिलाइजर टैंक में डाइल्यूशन होता है। जैसे वेंचुरी में जो फर्टिलाइजर या जो उर्वरक आपने रखे वो सारे के सारे वही मात्रा में अंदर चले जाने हैं, लेकिन फर्टिलाइजर टैंक में ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजर टैंक में धीरे धीरे डायल्यूट होता है, शुरू में कॉन्सेंट्रेटेड गया, फिर धीरे धीरे पानी जैसे ऐड होते गया तो डायल्यूट होते गया। तो इसीलिए जब फर्टिलाइजर टैंक आप इस्तेमाल करते हो तो एक सेक्शन को एक साथ ही देना जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई एक सेक्शन को आधा घंटा दे दिया, फिर वो दूसरे सेक्शन को फर्टिलाइजर देना शुरू कर दिया, टैंक में तो वही है, तो पहले सेक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड चला गया, दूसरे प्लॉट में या दूसरे सेक्शन में थोड़ा सा डायल्यूट चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही सेक्शन को देंगे तो हो सकता है कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड गया बाद में डायल्यूट गया, लेकिन टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि हमने देखा था कि भाई 6.5 ग्राम का यूरिया वगैरह, वो पूरी की पूरी क्वांटिटी पूरे टाइम में जाने ही वाली है वहां पर। इसलिए एक प्लॉट एक सेक्शन एक साथ जब आप फर्टिलाइजर टैंक इस्तेमाल करते हो तो करना चाहिए। उसके बाद में देख दोस्तों प्लास्टिक हेडर असेंबली, ये छोटे छोटे हेडर्स है। बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों हम लोग अलग अलग पार्ट लेते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं, मैंने स्क्रीन प्रिंटर लिया, वेंचुरी ली, बायपास असेंबली ली, एयर रिलीज वाल लिया, सब कुछ लिया और अलग अलग जोड़े। अलग अलग जोड़ने के लिए समय ज्यादा लगा, आपको जो हमारे डीलर लोग हैं या जो इंस्टॉलेशन करने वाली एजेंसी उनके पीछे भागना है, वो आएंगे वो काम करेंगे, वो काम ठीक से करते नहीं करते, लीकेजेस होने के चांसेस बहुत बार आपने देखा होगा, जो आप लगाते ऊपर के पार्ट उसमें से कहीं ना कहीं ड्रॉप ड्रॉप लीकेज होना है क्योंकि वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ होता है। तो इसी वजह से हमने एक रेडीमेड हेडर असेंबलीज आपके लिए उपलब्ध की है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें हेडर में आपको मिलेगा, जैसे ये हेडर में आपको दिखाता हूँ, ये भी दिखाया था मैंने आपको कि ये हेडर है। तो ये हेडर में आपको वेंचुरी असेंबली है, प्रेशर गेज है, बाईपास असेंबली है, एयर रिलीज वाल्व है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सब चीजें एक जगह पे, आपको सिर्फ इनलेट जोड़ना है यहाँ से और यहाँ से आउटलेट जोड़ना है, तो सिंपल हो गया आपके लिए इंस्टॉलेशन। आपको बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत ज्यादा जगह पे जॉइंटिंग कनेक्शन वगैरह नहीं करना है, ये आपको रेडीमेड हेडर असेंबली मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी प्रकार की हेडर असेंबलीज है, फ्लैंज्ड है, थ्रेडेड है, बहुत सारी प्रकार की है, किसी में बाईपास वाला आएगा, किसी में नहीं आएगा, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। तो ये है दोस्तों हेडर असेंबलीज।
ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखते होंगे कि जिसमें वेंचुरी है, जिसमें 2 इंच की वेंचुरी, 1.5 इंच की, अलग अलग वेंचुरी, अलग अलग हेडर असेंबलीज है। इसके साथ में गेट वॉल आता है, अभी अभी जो नया गेट वॉल हम दे रहे हैं उसके साथ में इंडिकेटर्स भी है, तो आपको पता चल रहा है कि आपने कितना वॉल क्लोज किया है, ये भी इसके साथ में अभी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हेडर असेंबलीज, सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, फिल्टर स्टेशन, फर्टिगेशन स्टेशन, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों अगर ये संगोष्ठी अगर आपको अच्छी लगती होगी तो मेरी आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान आप पहुंचाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करना चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मेन लाइन की। मेन लाइन जैसे मैंने बताया कि भाई पीवीसी या एचडीपी की हो सकती है, मोस्टली पीवीसी की होती है। पीवीसी की मेन लाइन जब आप लगाते हो दोस्तों, तो जब पाइप आप डालते हो तो पाइप स्टैकिंग करते वक्त एक दूसरे के ऊपर इतना भी मत डालिए कि नीचे वाला पाइप पूरा दब के उसका सॉकेट डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। पाइप को खींच के फेंको मत, सॉकेट डैमेज हो गया तो पाइप किसी काम का नहीं है आपका। प्रॉपर डेप्थ का गड्ढा होना जरूरी है। मेन लाइन अगर आप कर रहे हो और आपके खेत में, तो लगभग 2.5 से 3 फीट का गड्ढा होना जरूरी है, क्योंकि मेन लाइन परमानेंट लाइन होती है जो बार बार बदलती नहीं है, वो अंदर होना जरूरी है। जब आप मेन लाइन करते हो तब आपको ये देखना जरूरी है कि नीचे कोई छोटा छोटे पत्थर, नुकीले कुछ पार्ट, खिला वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बात समझो कि जब पाइपलाइन में से पानी जाता है, जब पानी दौड़ता है उसमें से, तो पाइपलाइन थोड़ा सा वाइब्रेट करती है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन उसमें होता है, और अगर छोटा सा भी कुछ पार्ट उसके नीचे आ गया तो धीरे 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 वो घिसेगा, घिसना शुरू करेगा और कहीं ना कहीं होल कर देगा। फिर आप बोलोगे कि भाई पाइप फट गया है, हमने तो अभी किया था, नया था, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना जरूरी है कि पाइपलाइन के नीचे सॉफ्टनेस है कि नहीं। आप पाइपलाइन के नीचे से पत्थर वगैरह हटा लीजिए, सॉफ्ट सॉइल जो होती है, मिट्टी, हल्की पतली मिट्टी, ये अंदर एक लेयर उसमें कुशनिंग जैसे लगा दीजिए, और उसके ऊपर फिर पाइप का इंस्टॉलेशन कीजिए, ताकि आपकी पाइपलाइन में डैमेज नहीं हो सके वाइब्रेशन की वजह से। दूसरा, पाइपलाइन के वाइब्रेशन की जब मैं बात कर रहा था, तो ये वाइब्रेशन तो होते ही है, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अगर बहुत बड़ी लंबी पाइपलाइन आप ला रहे हो कहीं नदी के ऊपर से कहीं से, तो हर 500-600 मीटर के बाद में ये वाइब्रेशन को बंद करने के लिए आपको एक उसके ऊपर वजन डालना जरूरी है। जैसे पाइपलाइन का वाइब्रेशन हो रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा पकड़ लिया तो यहाँ पर अभी स्टेबल हो गई, फिर इधर हिलती है तो ठीक है, लेकिन आगे का हिलना बंद हो गया, नहीं तो वो हिलना एम्पलीफाई कर देता है और आगे बहुत उसका डैमेज होने के चांसेस है। तो उसके ऊपर जिसको हम थ्रस्ट ब्लॉक बोलते हैं, कॉन्क्रीट के ब्लॉक हो सकते हैं, बड़ा सा हेवी पत्थर हो सकते हैं, जो भी है आपके पास में सुविधा, लेकिन पाइपलाइन को डैमेज किए बगैर पाइपलाइन के ऊपर ही वजन होना जरूरी है पाइपलाइन का वाइब्रेशन रोकने के लिए। दूसरा, पीवीसी पाइप के बारे में ये बात सोच लीजिए कि पीवीसी पाइप, ये पीवीसी मटेरियल जो है, ये सूरज की रोशनी को ज्यादा दिनों तक सह नहीं सकता। सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज किरण होते हैं, जिसकी वजह से पीवीसी पाइप धीरे धीरे लाल होके, ब्रिटल होके उसके टुकड़े गिरने के चांसेस रहते हैं, या उसके ऊपर थोड़ा भी दबाव हो गया तो टूट जाएगा। तो पीवीसी पाइप को हमेशा हमको सूरज की रोशनी से बचाना है। तो जहां पर भी पीवीसी पाइप आपका बाहर निकल रहा है, वहां पर उसको कुछ भी करके, गनी बैग्स हो या कुछ भी है, उसको लपेट के उसको क्लोज करना है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं आने देनी, ताकि पाइपलाइन का लाइफ अच्छे से अच्छा आपको मिले। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लंबी पाइपलाइन कर रहे हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की, तो दोस्तों कोई भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, आकुंचन और प्रसारण, आकुंचित होना और प्रसारित होना। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पे रेल जो होती है, तो हर तीसरे चौथे रेल के बाद में उसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं। क्यों रखते हैं गैप? क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से जो ये रेल्स गर्म हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं, तो एक गैप देना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ना करे। तो यही चीज पाइपलाइन के लिए भी एप्लीकेबल है। पाइपलाइन भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन करते रहता है बीच में, तापमान की वजह से, वातावरण की वजह से। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन या इसका आकुंचन और प्रसरण के लिए हमको उसमें थोड़ी सी जगह देने की जरूरत है। तो ये जगह हम कैसे दे सकते हैं? आप या तो एक्सपेंशन जॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो, या हमारे जो रबर रिंग जॉइंट है तो बीच में एक जॉइंट रबर रिंग पाइप का डाल दीजिए, तो रबर की रिंग होती है तो उसमें पाइप थोड़ा सा स्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक लूप कर दीजिए, ताकि ये जो अगर लूप है तो लूप में ये दोनों पाइप के जो कोने हैं ये एक दूसरे से एकदम सटेंगे नहीं, प्रेशर नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये इस तरह का एक्सपेंशन जॉइंट उसमें दे सकते हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है प्रॉपर एयर रिलीज वाल्व का होना।
सिस्टम में एयर इज वॉट कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड रहते हैं। मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आपको अच्छा लगेगा क्या कि आप 4 इंच की पाइपलाइन खरीद रहे हो, 4 इंच की पाइपलाइन का पैसा दे रहे हो और उसमें से सिर्फ 2 इंच का पानी बहा के ले जा रहे हो, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, आपके पैसों का वेस्टेज है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप बात समझिए कि जब आप दूर से पाइपलाइन जा रहे हो, पाइपलाइन उतार चढ़ाव ढलान से आ रही है, तो पानी के साथ में हवा भी आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। अब पानी में हवा कहाँ से आएगी? तो पानी में हवा जगह जगह से आ सकती है। पहली जगह है आपका सक्शन, सक्शन की तरफ से अगर छोटा मोटा लीकेज है तो थोड़े से एयर बबल्स अंदर आते हैं, पंप की तरफ से एयर बबल्स अंदर आते हैं, या हवा के जो बबल्स है गुब्बारे छोटे छोटे ये अंदर घुसते हैं। या तो हो सकता है कि आपकी पाइपलाइन छोटी है और आपका पंप पानी का वेग जो है स्पीड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वेरी हाई वेलोसिटी, अगर ज्यादा वेलोसिटी में पानी अगर जा रहा है तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व एयर है, पानी के अंदर हवा घुली रहती है हमेशा, तो ये डिजॉल्व एयर बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। पानी के अंदर हवा कैसे घुली रहती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप चाय करने के लिए तपेले में पानी रखते हो और उसको गैस लगाते हो, गर्म करते हो, गर्म करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे पानी में आपको छोटे छोटे एयर बबल्स दिखेंगे, वो इधर उधर दौड़ते हैं, साइड में आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आ गए? ये पानी के अंदर की हवा थी, जो टेम्परेचर तापमान बदलने की वजह से पानी में से बाहर निकल के बाहर आना शुरू हो गई वो। तो ऐसे ही अगर पानी की गति बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो भी पानी के अंदर जो हवा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब पाइपलाइन डिजाइन करते हैं, प्रॉपर पाइपलाइन जो डिजाइन होती है उसको एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ में, इसको हम परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी बोलते हैं, जो लगभग 1.5 मीटर पर सेकंड के आसपास या मैक्सिमम 1.75 मीटर पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो गया तो क्या हो गया, तो प्रेशर लॉस भी बढ़ेगा पाइपलाइन के अंदर। तो चलो प्रेशर लॉस तो आप सह लेंगे, शायद आपका पंप बहुत बड़े कैपेसिटी का है, लेकिन ये हवा बाहर निकलना शुरू करेगा। अब ये हवा जाएगी कहाँ? हवा का हमेशा एक रूप होता है, हमेशा हमेशा हवा ऊपर की तरफ जाती है, हवा नीचे नहीं जा सकती पानी के अंदर, हवा पानी के अंदर डूब नहीं सकती, पानी के ऊपर आना शुरू कर देती हो। तो पानी के ऊपर जाके जाएंगे कहाँ? आपकी पाइपलाइन सब मानो कि ऐसी जा रही है, तो ऐसी पाइपलाइन में यहाँ आके ये हवा अटक गई, अब ये नीचे नहीं जा सकती, ये यहाँ पर अटक गई। अगर आपको आपने इसको यहाँ से निकाला नहीं तो धीरे धीरे पानी का जो एरिया है, पाइपलाइन का सेक्शन है, उसमें ये हवा भरती जाती है और पानी धीरे धीरे कम जगह में से जाना शुरू कर देता है। मतलब क्या कि 4 इंच की पाइपलाइन ली और 2 इंच में से पानी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से हवा निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर एयर रिलीज वाल्व, जहां पर भी चढ़ान है, जहां पर जो भी टॉप मोस्ट पोर्शन है वहां से एयर निकलना जरूरी है। इवन जो भी छोटे मोटे एंडुलेशन है वहां पर भी आप छोटे प्रॉपरली डिजाइन एयर रिलीज वाल्व लगा सकते हो, अगर आपकी बहुत बड़ी और लंबी पाइपलाइन है तो प्रॉपर डिजाइन करके आप एयर रिलीज वाल्व लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा एयर रिलीज वाल्व का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट या उसका इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों कि पीवीसी पाइप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि पीवीसी पाइप अगर उसके अंदर वैक्यूम आ गया तो कोलैप्स हो जाता है, मुड़ जाता है, दुमड़ जाता है। तो ऐसा ना होने होना अगर चाहते हैं आप, तो इसका मतलब वैक्यूम नहीं आना चाहिए। तो जहां पर भी वैक्यूम आने के चांसेस है, वैक्यूम कब आ सकता है? जैसे कि मान के इस तरह की आपकी पाइपलाइन है, पानी ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, अचानक आपका पंप बंद हो गया तो इधर का पानी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, पंप बंद हो गया तो इधर का पानी आगे जाना शुरू हो गया। तो बीच वाली ये जगह है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर वैक्यूम आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ का पाइप कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एयर रिलीज वाल्व लगाता हूँ तो यहाँ पर बाहर की हवा अंदर खींच के यहाँ का वैक्यूम ब्रेक करके ये पाइपलाइन को बचा सकता है। तो एयर रिलीज वाल्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एयर रिलीज वाल्व अगर आपकी पाइपलाइन लंबी है या इवन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी प्रॉपर जगह पे एयर रिलीज वाल्व का होना जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं पाइप को जोड़ने की। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाइप को जोड़ने के लिए जो सोल्यूशन मिलता है उसको लगा दिया तो ये फेविकॉल है, तो ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं है दोस्तों, ये फेविकॉल नहीं है, ये कोई एडहेसिव नहीं है, ये एक सीमेंट है, एक सॉल्वेंट सीमेंट है, ये एक एसिड बेस्ड रेजिन है, जिसमें एसिड है, इसमें पीवीसी रेजिन है, कुछ एडहेसिव्स है, कुछ ड्राइंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं और इस तरह से ये सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको हम सॉल्वेंट सीमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया और ये किस तरह से काम करता है? तो दोस्तों जब आप सॉल्वेंट सीमेंट लगाते हो तो ये देखिए, ये मेरे पास सॉल्वेंट सीमेंट है, ये सॉल्वेंट सीमेंट जब आप लगाना शुरू कर देते हो तो ये काम क्या करेगा, जब मैं ये लगाऊंगा पाइप के ऊपर तो ये पीवीसी पाइप का एक लेयर जो है उसको पिघलाएगा, इसके अंदर एसिड है तो एसिड पीवीसी पाइप का जो ऊपर का लेयर है उसको डिफ्यूज करेगा,
उसको सॉफ्ट करेगा, बराबर है। उसके साथ में पीवीसी की रेजिन है, मेरे पीवीसी की पाउडर है, वो अंदर आएंगे। उसके बाद में मैं दूसरे पाइप को सोल्यूशन लगाऊंगा, सॉल्वेंट सीमेंट लगाऊंगा, तो वहां पर भी ऊपर का जो लेयर है उसको सॉफ्ट कर देगा। और ये जो दोनों सॉफ्ट लेयर्स है, ये दोनों लेयर जब मैं एक दूसरे के अंदर घुसा के उसको थोड़ा सा टर्न करूंगा तो एक कंप्लीट होमोजेनियस मिक्सिंग तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो वहां पर भी गैप है वहां पर पीवीसी जो रेजिन है ऑलरेडी सॉल्वेंट सीमेंट में, वो उसकी जगह लेकर ले लेगा और ये प्रॉपर जॉइंट आपको मिलेगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि सॉल्वेंट सीमेंट कितना इस्तेमाल करना है इसके पास इसका गणित हमारे पास नहीं होता। हमको लगता है ये फेविकॉल जैसा है, जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना जोड़ मजबूत, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एसिड है, अगर मैं ज्यादा लाभ डालूंगा और ये पाइप जब मैं अंदर घुसाऊंगा तो ये जो ज्यादा वाला जो लगाया हुआ है ये अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद में पाइपलाइन के अंदर तो चला गया, वहां पर तो आप हाथ डाल के साफ नहीं करने वाले, तो वहां पर ये स्क्रैचेस करेगा वहां की पाइपलाइन को, क्योंकि उसका काम तो पिघलाना है ऊपर के लेयर को, तो वहां पर वो पिघलाना शुरू कर देगा, तो वहां पर स्पॉट आ जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा शायद कि ऊपर की तरफ जहां पर पाइपलाइन के ऊपर अगर सॉल्वेंट सीमेंट गिर गया तो वहां पर ऐसे स्पॉट आ जाता है, या एक नली जैसा या स्क्रैच जैसा आ जाता है। तो ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये पाइपलाइन के उस वहां के मटेरियल को सॉफ्टन कर रहा है। तो जब भी आप सॉल्वेंट सीमेंट लगाते हो तो प्रॉपर मात्रा में लगाना चाहिए, कितनी लगाना चाहिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले सॉल्वेंट सीमेंट लगाना कैसे चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट सीमेंट दोनों जगह पे लगाना आपको, एक सॉकेट है और पाइप है। अब कहाँ पहले लगाऊं, यहाँ पहले लगाऊं कि यहाँ पहले लगाऊं? तो दोस्तों सॉल्वेंट सीमेंट हमेशा अंदर की तरफ आप पहले लगाओ, क्योंकि उसका उसमें ड्राइंग एजेंट होते हैं, वो तुरंत लगाने के बाद में ड्राइंग या सुखाने का काम भी शुरू कर देता है। तो जब आप लगाते हो तो ये पोर्शन थोड़ा सा छाव में है, बराबर है। सॉल्वेंट सीमेंट जब भी आप लगाते हो तो थोड़ी सी छाव अगर नहीं वहां पर तो अच्छा है, बहुत ही कड़ी धूप में मत कीजिए। और अगर ये पोर्शन छाव में है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने के लिए। फिर यहाँ पर आपने लगाया, फिर आप यहाँ पर लगाते हो और यहाँ पर ये तो खुला है, ये तुरंत सूखना शुरू करेगा। तो ये खुला है, ये सूखने से पहले आप इसको यहाँ पर लगाओगे। जब भी आप लगाओगे तो प्रॉपर लेयर उसमें से लगाना चाहिए, जैसे ये सॉल्वेंट सीमेंट है इसके अंदर ब्रश है, तो पहले मैं अंदर एक लेयर लगाऊंगा प्रॉपरली पूरी तरह से। ये पूरी तरह से एक थिकनेस का लेयर होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और फिर दूसरा जो पाइप का सेक्शन है उसके ऊपर भी आपने लगाया, प्रॉपर सॉल्यूशन लेके। सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, बहुत ही पुराना है ऑलरेडी उसका ड्राइंग एजेंट उसमें से उसको ड्राई कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होना चाहिए। और ये आपने लगाना शुरू कर दिया। जो सॉकेट की लेंथ है उतनी लेंथ तक ही आप लगाइए, प्रॉपर थिकनेस पे लगाइए। ये लगाने से पहले ये मैं बात करना भूल गया कि ये जो बर्ज है ऊपर के और नीचे के, ये निकाल देना बहुत जरूरी है। जैसे ये ऊपर बर है, अगर ये बर मैंने नहीं निकाले तो ये ऊपर का बर मेरे एरिया को जमने नहीं देगा, यहाँ पर गैप रखेगा हमेशा, तो ये मुझे घिस लेना चाहिए, बर निकाल देना चाहिए। और फिर ये डाल के अंदर इस तरह से, शायद आपको अच्छी तरह से दिखता है मुझे पता नहीं, और थोड़ा सा एक क्वार्टर टर्न में इसको घुमा लेना चाहिए ताकि, और उसको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, इसको क्यूरिंग टाइम होता है, उसको क्यूर होना चाहिए देना चाहिए। तो ये सॉल्वेंट सीमेंट लगाने का सही तरीका है। सॉल्वेंट सीमेंट बहुत ज्यादा, कुछ लोगों तो हमने देखे कि भाई यहाँ पर लगाने के बाद भी ऊपर से थोड़ी सी धार लगा देते, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर अगर ज्यादा आ गया तो उसको कपड़े से पोंछ लीजिए, निकाल दीजिए। अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंदर जाके वो खराब करेगा, अगर बॉल वॉल के पास वगैरह लगाते तो ओरिंग को डैमेज करता है बहुत बार। तो सॉल्वेंट सीमेंट लगाने का ये सही तरीका है। सॉल्वेंट सीमेंट कितनी मात्रा में लगाना चाहिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट सीमेंट्स होते हैं, मतलब जिसके रेगुलर बॉडी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारतीय मानक के हिसाब से मीडियम बॉडी और हेवी बॉडी, मतलब बहुत ज्यादा बड़े पाइपलाइन साइज में हेवी बॉडी लग सकता है। हम लोग लगभग जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है 51 to 200 mm तक का पाइपलाइन, मतलब 2 इंच से लगभग 8 इंच तक की पाइपलाइन हम इस्तेमाल करते हैं, 1.5 या 2 इंच से, तो लगभग 0.3 mm का बहुत ही पतला सा थिकनेस उसमें होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक ज्यादा मत डालना। और उसके बाद में कितना लगेगा, 1 लीटर में अगर आपका 1 लीटर का सॉल्वेंट सीमेंट है तो उसमें कितने जॉइंट्स होंगे अलग अलग पाइप साइज के, यहाँ पर ये टेबल है। जैसे 50 mm का या 63 mm का पाइप मैंने अगर लिया तो उसमें 125 जॉइंट होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैलकुलेट करने के लिए कि आपको सॉल्वेंट सीमेंट कितना लगने वाला है, कितनी मात्रा उसकी लग सकती है आपको। और दूसरा, अगर जितना लाया आपने वो प्रॉपरली यूज हो रहा है, क्योंकि आप तो ज्वाइंट करने वाले शायद नहीं हो, लेकिन जो आदमी ज्वाइंटिंग करने वाला है वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपर मात्रा, क्योंकि इसका ये तो पैसा है, आप ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो ये सोच लीजिए कि कितना प्रॉपरली लगना चाहिए।
ये हो गया सॉल्वेंट सीमेंट। दोस्तों उसके बाद में आते हैं सबमेन वॉल या सबमेन पाइपलाइन के ऊपर। सबमेन पाइपलाइन में सबमेन का वॉल इनलेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने देखा है कि जो डबल यूनियन या सिंगल यूनियन वॉल हम लोग सप्लाई करते हैं ये लीकेज करते हैं। लगाने के बाद भी पहली बार लगे तो भी लीकेज हो रहा है और लीकेज थम नहीं रहा है, मैं टाइट कर रहा हूँ उसको फिर भी लीकेज नहीं रुकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइन की अलाइनमेंट बहुत सीधी होनी जरूरी है जब आप सबमेन का वॉल लगा रहे हो। उसके ऊपर कोई स्ट्रेसेस या तनाव नहीं होना चाहिए और हमेशा जो बॉल वॉल वगैरह होता है तो उसकी एक साइड हमेशा फिक्स रहती है और दूसरी तरफ एडजस्टमेंट्स का चांसेस रहते हैं। तो जो फिक्स साइड है वो हमेशा आउटलेट की तरफ या बाहर की तरफ होनी चाहिए ताकि जो भी प्रेशर है वो फिक्स साइड की तरफ आएगा, पानी का जो भी प्रेशर है वो फिक्स साइड की तरफ भी ज्यादा रहेगा और उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगी। तो जो फिक्स साइड है वो हमेशा आउटलेट की तरफ होनी चाहिए और जो यूनियन नट होता है उसको आपको हाथ से ही कसना है। उसके लिए कोई बड़े स्पैनर की जरूरत नहीं है, हाथ से कसिए, हैंडल घुमाते रहना है, हैंडल घुमा के ये देखना है कि भाई ये प्रॉपरली टाइट है या बहुत ही हल्का नहीं है, बहुत ही टाइट नहीं है, और यूनियन नट टाइट करते जाना है। इसका मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने अभी बात की कि सूरज की रोशनी से ये जो पीवीसी पाइप ऊपर आ रहा है उसको आपको बचाना है गनी बैग या कुछ भी कवर करके। तो ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉल वॉल का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने, कोई भी टेंशन नहीं है, एक दूसरे के सामने प्रॉपरली खड़े हैं ये जो दो पाइप के एंड्स। तो ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल इजीली प्यार से खड़े होने चाहिए। जैसे मियां बीबी में झगड़ा हो जाता है तो एक का मुंह एक तरफ दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, उसमें ऊपर टेंशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो बॉल वॉल फिर क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस तनाव मतलब प्रॉपरली अलाइन भी है और आपने जब बॉल वॉल उसमें लगाया और थोड़ा सा गैप उसमें रह गया तो आप थोड़ा सा खींच के लगा दोगे तो लग तो जाएगा लेकिन उसमें से लीकेज होगा क्योंकि ये प्रॉपर उसको ओरिंग को दबाएगा नहीं, तो उसमें से लीकेज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर टेंशन है, ये इसको खींचेगा ये जो है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि उसके ऊपर प्रॉपर टेंशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अलाइन स्ट्रेट होना चाहिए। डबल यूनियन वॉल है, दोनों तरफ यूनियन है, एक तरफ से फिक्स है एक तरफ से एडजस्टमेंट्स करने का चांसेस है, तो ये एडजस्टमेंट साइड है। उसके बाद में फिर आप उसका जो हैंडल है ये हैंडल आप घुमा के चेक कर लीजिए कि बहुत हल्का नहीं है और बहुत भारी भी नहीं है, इस तरह से आप उसको सेट कर दीजिए यूनियन को, हाथ से सेट कर सकते हो आप इसको। तो ये इस तरह से अगर आप बॉल वॉल का इंस्टॉलेशन आप करते हो दोस्तों तो आपके बॉल वॉल में लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद में सबमेन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबमेन में आप लोग जो पौधे पौधे का जो डिस्टेंस है या रो का डिस्टेंस है वहां पर आप छेद करते हो, ड्रिल करते हो और ड्रिल करके वहां पर आप ग्रोमेट टेकअप वगैरह लगाते हो। तो जैसे इस तरह का ड्रिल है, अलग अलग साइज के ड्रिल है, अलग अलग साइज के ग्रोमेट्स है। जैसे ये कुछ ग्रोमेट्स होते हैं हमारे, ये 16x13 के छोटा ग्रोमेट होता है, ये 8mm का ग्रोमेट है। तो आप कोई भी ग्रोमेट इस्तेमाल कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में पानी अंदर आ सकता है, आपका लॉसेस कम होगा। तो ये 16x13 के ग्रोमेट के लिए सुटेबल ऐसा ये ड्रिल है जो 17.5mm का ड्रिल है। अगर आप छोटा ग्रोमेट इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको 11.9mm का ड्रिल लगेगा। ये ड्रिल से आप होल करोगे वहां पर, और जैसे कि ये चित्र में आप देखते होंगे कि उसके लिए प्रॉपर ड्रिल गाइड होना जरूरी है क्योंकि आप होल करोगे तो हो सकता है आपका हाथ हिले, थोड़ा सा वाइब्रेशन हो जाए, तो उसके लिए ड्रिल गाइड अगर आप लेते हो तो उसको प्रॉपर स्टेबल सपोर्ट में सीधे में होल करेगा, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होल वहां पर नहीं करेगा। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होल्स करने तो आप उसको बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल भी ले सकते हो, ये हैंड ऑपरेटेड है, बैटरी ऑपरेटेड भी ड्रिल मिलता है जहां पर बैटरी से आप सीधे सीधे होल कर सकते हो ऐसे। उसके बाद में उसको प्रॉपर जगह पे ग्रोमेट बिठाना है और ग्रोमेट के ऊपर टेप ऑफ बिठाना है। जैसे ये असेंबली यहाँ पर मैंने लाई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे होल किया, प्रॉपर होल है, कोई भी इधर उधर नहीं है, इसका बर निकाल दिया, ये ग्रोमेट इसमें बिठा दिया, ग्रोमेट पक्का बैठ गया। अलग अलग टाइप के ग्रोमेट आते हैं और उसमें फिर टेप ऑफ बिठा के आपकी ट्यूब बाहर निकली। ये ट्यूब ये जमीन में आपका सबमेन की पाइप आपकी लगभग 1.5-2 फुट अंदर है, अंदर से आपने इसको ट्यूब को बाहर निकाला, बाहर इसको लाके आपकी ये पॉलिटिव आती है और पॉलिटिव के बाद में जहां से आपका क्रॉप चालू हो जाता है वहां से आप इनलाइन या जो भी डीपर वो आप वहां से लगाना शुरू करते हो।
मैं तो ये सलाह दूंगा कि यहाँ से बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर एल्बो लगाइए ना कि इसको टर्न कीजिए। या तो टर्न करना है इसको, यानी यहाँ से निकाल के आपको इसको टर्न करके ले जाना है ऐसा, तो सीधा सीधा टर्न मत कीजिए, उसको ऊपर लीजिए, उसका एक पूरा राउंड कीजिए और फिर वो राउंड से आगे ले जाइए। मतलब तो यहाँ से लाया मैंने, एक राउंड किया और इस तरफ आगे लेके गया, ताकि इसके ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, इसके ऊपर फोल्डिंग ना हो। नहीं तो एकदम सडन से आप उसको टेढ़ा करोगे तो ऐसा फोल्ड हो जाता है, फिर पानी इसमें से जाना मुश्किल हो जाएगा। तो या तो एल्बो इस्तेमाल कीजिए प्रॉपर, या तो फिर इसको प्रॉपर टर्न करके ले जाइए बाहर, सीधा सीधा टर्न करके आप उसको मत ले जाइए। तो ये हो गई सब मेन की प्रॉपर इंस्टॉलेशन, किस तरह से आप कर सकते हो सब मेन के ऊपर होल्ड करके। अगर आपका गलत होल हो गया किसी कारण से, गलत जगह पे होल हो गया, तो उसमें आपको ये ग्रोमेट प्लग्स मिलते हैं, इस तरह के इसको प्लग है, तो इसको आप लगा सकते हो, ताकि इसको आप ये जो छेद हो गया गलती से, ये आप बंद कर सकते हो उसमें। उसके बाद में दोस्तों सबमेन के आखिरी छोर पे आता है सबमेन फ्लश वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बात समझिए कि सिस्टम में आप बहुत ज्यादा फिल्टर, अच्छी फिल्टर भी लगाए हैं तो भी छोटी सी जीनी मिट्टी वगैरह अंदर आने के चांसेस रहते हैं, या फिल्टर का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ या देर से हो गया है तो भी बहुत सारी मिट्टी या कुछ कचरा अंदर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कचरा जाएगा कहाँ? सबसे पहले सिस्टम में आने वाला कचरा जाता है आखिरी छोर पे। आखिरी छोर कौन से? सबमेन का आखिरी छोर है, या आपकी इनलाइन या लैटरल का आखिरी छोर है, वहां पर जाके जमता है कचरा, और वहां से अगर हमने उसको नहीं निकाला तो धीरे धीरे सिस्टम में आने की कोशिश करता है ये। तो सिस्टम के आखिरी में फ्लश वाल्व होना जरूरी है, वहां पर उसे उसको फ्लश करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारा जो सबमेन फ्लश वाल्व है, ये इस तरह का फ्लश वाल्व है, इसको आप जमीन से ज्यादा 6 इंच तक ऊपर लीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर मत लीजिए, ताकि मुझे बेंड ना करना पड़े, ज्यादा झुकना ना पड़े, ऐसा सोच के मत कीजिए। क्योंकि ये समझिए कि ये सबमेन के आखिरी छोर पे है, जहां पर ऑलरेडी प्रेशर कम है सबमेन के लास्ट एंड पे, और अगर आपके सिस्टम कम प्रेशर पे चल रही तो और भी प्रेशर कम है, और ऐसे में कोई बड़ा सा पत्थर वगैरह है तो ये बड़ा सा पत्थर उठा के बहुत ज्यादा ऊपर तक फेंक नहीं सकता पानी, क्योंकि ये पानी को ही कचरा बाहर निकलना है, तो ये निकल नहीं सकता। इसीलिए इसको छोटा सा रखिए, 6 इंच तक रखिए। ये जो सबमेन फ्लश वाल्व है, इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इसके पीछे खड़े रहकर इसको खोल सकते हो, और पानी आपके ऊपर नहीं आता, ये पानी सीधा, ये जो फोटोग्राफ में आपको दिखाया है, सीधा पानी सामने की तरफ जाता है और ये पूरा फ्लश हो जाता है प्रॉपरली। तो इस तरह से सबमेन को आपको लगाना है, इसको भी आप प्रॉपरली गनी बैग से वगैरह कवर कर लीजिए। तो ये हो गया सबमेन फ्लश वाल्व। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो बात हम कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको जरूर इसमें से कुछ ज्यादा जानकारी मिली होंगी। आपके पास भी इससे भी ज्यादा जानकारी होगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके आपकी जो कमेंट्स है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमारे लिए फायदेमंद होगी, और ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कीजिएगा। हम बोलते हैं ना कि जोत से जोत लगाते चलो, तो ऐसे जोत से जोत लगाते चलो, ज्ञान की ये गंगा बहाते चलो। दोस्तों सारे जगह पे इसको शेयर करिए, जब बहुत जगह जगह पे इसको फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को, डीलर्स को, सब लोगों को इसका फायदा हो। दोस्तों अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जो है इनलाइन या ड्रिप लाइन, उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी चाहिए। जब आप ड्रिप लाइन के इंस्टॉलेशन करते हो तो दो तरीके से करते हो, या तो आप वाइंडर यूज कर सकते हो, मेरा तो रिकमेंडेशन या सुझाव यह है कि आप वाइंडर जरूर इस्तेमाल करना, ताकि ड्रिप लाइन प्रॉपरली खुल सके और प्रॉपरली बिछाई जा सके। दूसरा तरीका ये कि एक आदमी खोलता है, उसको घुमाते जाता है, दूसरा आदमी उसको देते जाता है, दो लोगों का तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो फिर फोल्ड हो जाते हैं, खींचा जाता है, खींचातानी शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में तालमेल होना जरूरी है। दूसरा, इनलाइन जब आप लगाते हो तो जब आपको उस पौधों को पानी देना है, लगभग ये पॉसिबल हो तो करना जरूरी है कि जब आपको पौधों को पानी देना है, जिस समय पानी देना है उसी समय वो अगर इनलाइन आप लगाते हो तो ज्यादा फायदेमंद है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने बात की कि एक्सपांशन, आकुंचन और प्रसरण, तो पाइपलाइन का जैसे आकुंचन प्रसरण होता है, वैसे ही इनलाइन का भी आकुंचन प्रसरण होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कड़ी धूप में, जैसे अभी धूप काले में 40-42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो कड़ी धूप में ये जो ट्यूब है ये गर्म होती है, एक्सपांशन होती है। तो ड्रिपर आपका सुबह यहाँ पर था, दोपहर को यहाँ पर पहुंच गया, फिर वापस सुबह शाम को यहाँ पर आ गया, तो ये ड्रिपर आगे पीछे जाता है, क्योंकि एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन आकुंचन प्रसरण उसका हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप पानी दे रहे तो शायद हो सकता है कि ड्रिपर ने उसकी जगह छोड़ दी, और जब आपका पौधा छोटा है, जैसे कॉटन है या प्री मानसून सोइंग है, तो वहां पर उसके ड्रिपर ने उसकी जगह छोड़ना आपको फायदेमंद नहीं है। तो आप
उसी वक्त लगाइए कि जब वो पोजीशन पे होगा और उसी वक्त पे आपको उसको चलाना है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ड्रिप लाइन को या पॉलो ट्यूब को हमेशा तन के सीधे रखिए, सीधे रखिए उसको। लास्ट आखिरी एंड पे कुछ भी लकड़ा हो जो भी है उसकी खुट्टी लगा दीजिए, उसको प्रॉपरली बांध दीजिए ताकि वो सीधी रहे और उसका ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन आकुंचन प्रसरण ना हो। उसको स्नेकिंग जिसको हम बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी पूरी बेड के ऊपर से जा रही है, ऐसा नहीं जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके वेटिंग जोन जो है वो अलग अलग जगह पे तैयार हो गया। और जैसे मैंने क्षार की बात की कि ड्रिपर क्या करता है कि ड्रिपर क्षार को बाहर निकालता है, तो किसी भी तरह से ड्रिपर ने क्षार को बाहर निकाल के वो क्षार को ऐसी जगह पे नहीं लाना चाहिए जहां पर आपके पौधों का रूट जोन है। हमेशा क्षार को रूट जोन से बाहर निकालना चाहिए। तो ड्रिपर की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्रिपर एक जगह पे होना चाहिए, ड्रिपर प्रॉपरली वेटिंग कर रहा है कि नहीं ये देखना जरूरी है। ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा, जैसे टर्बो एक्सेल जैसा ड्रिपर है दोस्तों, तो टर्बो एक्सेल एक फ्लैट ड्रिपर है, जैसे ये एक्यूरा का ड्रिपर है, ये फ्लैट ड्रिपर है या टर्बो एक्सेल का ड्रिपर है, ये ड्रिपर की पोजिशन हमेशा ऊपर की तरफ, ये ड्रिपर हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऊपर? क्योंकि ये बात समझिए, ये जब ड्रिप लाइन में पानी आ रहा है और पानी के साथ में छोटी मोटी मिट्टी या कुछ कूड़ा कचरा आ रहा है, तो हमेशा ये कूड़ा कचरा सिस्टम जब आपकी बंद हो रही है तो सिर्फ नीचे बैठने की कोशिश कर रहा है। जो पानी आपने रखा, पानी स्टेबल हो गया, बाल्टी में अगर पानी रखा और बाल्टी में कुछ कचरा आया, बाल्टी जैसे पानी स्टेबल हो गया तो नीचे कचरा जम जाता है, वैसे ही इसमें भी जमने वाला है। अगर आपका ड्रिपर उल्टा है, ऑन द है ऐसा नीचे की तरफ, तो ये सारा ड्रिपर के ऊपर आके जमेगा। अगर आपका ड्रिपर ऊपर है तो ये पानी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और सारा कचरा जो है वो नीचे आएगा, ड्रिपर के ऊपर या ड्रिपर के फिल्टर को चोक नहीं करेगा। हमने हमारे यहाँ पर दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया था, हमारे यहाँ पर क्लॉगिंग टेस्ट करने की फैसिलिटी है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी ड्रिप लाइन या कोई भी ड्रिप लाइन इनलाइन का प्रोडक्ट आपको पहुंचने से पहले हम उसको चेक करते हैं कि वो क्लॉगिंग होने के चांसेस कितने हैं उसमें, या और उसी तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि उसमें क्लॉगिंग ना हो। सारे का सारे ड्रिपर जैसे आप यहाँ पर ऊपर देखते होंगे कि 5 स्टार रेटेड ड्रिपर है, ये जो टिपिकली जो हमारा एक्सेल जो इनलाइन है, ये तो दुनिया का पहला ऐसा इनलाइन है जो 5 स्टार रेटेड है। 5 स्टार रेटेड मतलब क्या है, जैसे फ्रिज में वगैरह आपको मिलता है या एसी आप खरीदते हो तो 5 स्टार रेटिंग का एसी रहता है बिजली के लिए, जैसे वैसे ड्रिप में एक स्टैंडर्ड है जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है 5 स्टार रेटिंग के, जिसमें आपका सिस्टम का फ्लोरेट कैसा है, आपका सिस्टम का फ्लोरेट का वेरिएशन कैसा है, आपका सिस्टम क्लॉक कब होने के चांसेस है, ये सब देखा जाता है। हम लोग इसको जांचते परखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मिट्टी छोड़ते हैं अंदर कंटिन्यूअसली, 1 महीने के लिए हर हफ्ते में अलग अलग टाइप साइज की मिट्टी अंदर डालते हैं। हम जो चेक करते हैं कि ड्रिप सिस्टम कहाँ पर चोक होने की चांसेस है या हो सकती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि हमने कुछ ड्रिपर ऊपर लगाए, कुछ ड्रिपर नीचे की तरफ लगाए और उसमें से हमने एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसी मिट्टी अंदर छोड़ी। तो हमने ये देखा कि जो ड्रिपर नीचे की तरफ है वो ज्यादा क्लॉगिंग होने के चांसेस है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी आके जम जाती है, पानी अंदर जाने का रास्ता नहीं रहता। और जो ड्रिपर ऊपर की तरफ है वो चोक नहीं हुए नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्रिप सिस्टम का ये ड्रिपर का मुंह ऊपर होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि जब इनलाइन इतनी लंबी बिठाते हो तो कौन देखेगा भाई ड्रिपर ऊपर है ड्रिपर नीचे है, कहाँ जा रहा है, ये देखना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। और इसीलिए मेरी सलाह से है कि आप वाइंडर इस्तेमाल करिए, क्योंकि वाइंडर में आप ट्यूब एक जैसे खींचते हो, वो ऐसे घूमते घूमते नहीं जा रही, कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे, ऐसे नहीं है। तो ऊपर है तो ऊपर ही है, ड्रिपर का मुंह ऊपर है ये देख के आपको उसको खींचना शुरू करना है। बराबर धीरे धीरे खींचोगे तो सारे ड्रिपर ऊपर की तरफ रहेंगे। तो वाइंडर इस्तेमाल करने से आपके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपका सिस्टम का लाइफ बढ़ेगा, क्लॉगिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये छोटी छोटी चीजों से आप अगर प्रिवेंट करोगे खुद को तो आप बहुत बड़े बीमारी से बच सकते हो। जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि आप 20 मिनट तक 20 सेकंड तक हाथ धो और उसके बाद में खाना खाओ या मुंह पर आप मास्क लगाओ। तो ये छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी कुछ उसमें कोई बड़े साइंटिस्ट लोगों ने इसको बताया नहीं है, छोटी सी चीज है, लेकिन ये अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये महाभयंकर जो वैश्विक बीमारी है उसमें से हम बच सकते हैं। तो ऐसे ही ड्रिप सिस्टम के बारे में है दोस्तों कि आप ये जो छोटी छोटी चीजें इसके बारे में अगर ध्यान रखेंगे तो आपका इसको बड़े से बड़ा फायदा होगा, आपका सिस्टम सफल तरीके से चलता रहेगा। जो हमने पहले शुरू में बात की थी कि जो सफलता के 4 स्तंभ है उसमें इंस्टॉलेशन का स्तंभ बहुत बड़ा है, उसका भाग बहुत बड़ा है। अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन आप करते होंगे या आप किसी एजेंसी के मार्फत करवाते होंगे, फिर भी आपका ये देखना जरूरी है, क्योंकि आखिर में
सिस्टम का इस्तेमाल आपको करना है, वो एजेंसी वालों को नहीं करना है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, प्रॉपरली काम कर रहा है, मुझे उसके सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जगह जगह पे प्रेशर जो चाहिए वो मिल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको देखना जरूरी है दोस्तों। सिस्टम जब चालू करोगे पहली बार तो सारे ड्रिप लाइन के छोर जो है आपने छोर खुले रखिए, सब मेन फ्लश वाल्व खुला रखिए और सब मेन में से और सिस्टम में से पानी बाहर जाने दीजिए, ताकि पाइपलाइन में जो मिट्टी कचरा जो भी आ गया है वो आप उसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज हमने बहुत देर तक बात की है। ये संगोष्ठी मैंने दो पार्ट्स में, दो विभागों में हमने डिवाइड की है। आज मैंने बात की आपको इंस्टॉलेशन के बारे में, स्थापना किस तरह से की जाती है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, और कल हम बात करेंगे इसके रखरखाव के बारे में। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल का सेशन में हम लोग कवर करने वाले होंगे कि सिस्टम का रखरखाव किस तरह से किया जा सकता है, उसमें एसिड ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट या बाकी सारे जो है चूहों का प्रॉब्लम होता है, गिलहरी का प्रॉब्लम होता है, ये सारे प्रॉब्लम से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इसके ऊपर सॉल्यूशंस ला सकते हैं। आपको इसका मैं सर्च गति से कुछ सरसा से कुछ उसकी जानकारी दूंगा जो इजीली आप लोग कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें मैं आपको उसमें छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने कॉमेंट्स बहुत सारे दिए है, मैं कॉमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सका, लेकिन मैं जरूर अभी थोड़ा कॉमेंट पढ़ लेता हूँ, और अगर कुछ कॉमेंट्स का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, कुछ कमेंट्स के आंसर अगर मुझे पता भी नहीं है तो जरूर मैं आपको उसका उत्तर ढूंढ के आपको आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों मैं जरा कमेंट्स एक बार पढ़ लेता हूं। पहले पसंद होगा डाल सकते आप, देखो गो थ्रू कर लो। हाँ हाँ, तो एक सवाल है मेरा शरद मेहता साहब से आया है, और कि ये मेरा सेंटर ऑफ द फॉर्म होना चाहिए या एक तरफ से होना चाहिए। तो ये डिसाइड करता है कि आपको क्रॉप कौन सा है, जैसे शुगर केन जैसा क्रॉप है गन्ना, और गन्ने जलाने का ट्राय जलाने का जो पलाड़ी जलाने का जो आपके यहाँ पर ट्रेंड है, अगर ऐसी स्थिति है अगर आपकी, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक तरफ ले लीजिए, बांध के ऊपर ले लीजिए, और फिर ज्यादा लंबाई तक जाना पड़ेगा आपको, बराबर है। मतलब दिक्कत यह है कि आपने एक तरफ लिया तो आपको ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा, आपकी लैटरल की साइज उस तरह से आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप सेंटर से लेते हो तो दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है, तो आपका प्रेशर इक्वल डिवाइड होता है, आपके सिस्टम में बैलेंस रहता है। सेंटर भी अगर कैसे ले, अगर आपका सिस्टम में स्लोप है, मतलब आपके फील्ड को स्लोप है, तो ये अगर सपोज नीचे जाने वाला स्लोप है तो सब मेन थोड़ी सी हटा के ऊपर की तरफ लीजिए, ताकि नीचे जाने वाले स्लोप में पॉजिटिव जो एलिवेशन का हेड है वो ऐड हो जाता है, और आपका आखिरी एंड तक का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, एक बात समझिए कि मेरी सिस्टम अच्छी कैसे चल रही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरी सिस्टम के लिए एक प्रेशर डिजाइन किया गया है, जैसे कि 1 kg/cm² का प्रेशर मुझे मिनिमम होना चाहिए सिस्टम में, उससे ज्यादा हो गया तो शायद मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन उससे कम हो गया तो मेरा डिस्चार्ज या फ्लोरेट कम आने वाला है। तो मेरे सिस्टम में जो मिनिमम प्रेशर है वो मेरा आखिरी वाला जो फील्ड होगा, आखिरी वाला प्लॉट होगा, उसके आखिरी वाले लैटरल पे वो प्रेशर होना जरूरी है। चाहे फिर मेरी लैटरल सबमेन सेंटर में है, चाहे मेरी सेंटर सबमेन एक तरफ है, या मेरी सेंटर कहीं पर भी है, लेकिन मेरा प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना मिनिमम प्रेशर मेरे सिस्टम में होना जरूरी है, ये देखना जरूरी है। तो ये हो गया सबमेन कहां पर होनी चाहिए इसके बारे में। मैं और जरा कुछ सवाल है तो देख लेता हूं। ये सोनी साहब ने जरूर उसका रिप्लाई दिया है, अच्छा रिप्लाई दिया है मेहता जी का। आपने जो अच्छी कमेंट्स किए दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये उत्साह बढ़ा रही है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी तो ज्यादा कमेंट्स है नहीं, आपकी जो भी कमेंट्स होंगे आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जो भी सवाल है कोई भी सवाल आपके मन में ना रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आप करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल आप पूछिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फार्मर्स लोग जो ज्वाइन नहीं कर सके उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचने चाहिए,
ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से सिस्टम का इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। इंस्टॉलेशन ये सिर्फ डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसा नहीं है, डीलर जरूर इंस्टॉलेशन में आपके सहायता करेगा, लेकिन ये एक तरह से कि बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सीखने तक का ही वो है, वो हमेशा आपके फील्ड में मौजूद रहेगा, ऐसा शायद हो नहीं सकता। और आजकल के जमाने में ऐसा एक्सपेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो हम कॉन्टेक्टलेस होने की बात कर रहे हैं, तो हम तो दूर से ही सब कुछ करना चाहते हैं वो कोरोना के जमाने में। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ के समझ लेना और कर लेना जरूरी है, एटलीस्ट जानकारी होना जरूरी है, ताकि जब सामने वाला ये चीज करता है इंस्टॉलेशन तो बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है या गलती कर रहा है, ये आप समझ सकते हो। दोस्तों अगर आपको कुछ और ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो जरूर यहाँ पर कॉमेंट्स कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी आपको मिल सकता है, उसमें भी आपको कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। आपको कभी भी फील्ड के ऊपर से या कहीं से भी आपको कुछ सवाल है तो कॉल करके जरूर कीजिएगा, आपको आपका सहकार्य करना ही मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ, अगर आपको और भी कुछ सुझाव होंगे तो जरूर दीजिएगा, और कल के लेक्चर के लिए कल के सेमिनार के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा है। कल हम ड्रिप इरिगेशन के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।